आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद भी है, क्योंकि ये विषय कुछ ऐसा है जो कई बार तो हमें देखे नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमें मालूम ही है और इसके विषय में अधिक क्या जानना। ये ऐसा विषय है जिसको मानने के द्वारा हम अपना जीवन भी चलाते रहते हैं, व्यवहार भी चलाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मानने से जानने की ओर आप अग्रसर होते हैं कि भाई हम इसको जानते कितना है, तो कई तरह की समस्याएं आपको इसमें दिखाई देने लगेंगी। और जैसा कि मैंने कुछ एक प्रश्न भी नीचे दे रखे हैं, आप देखें कि यहाँ पर आप पहले प्रश्न में देख रहे हैं कि क्या आप धार्मिक हैं या धर्मज्ञ। दोनों ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न मैंने जहां से उठाया है वो वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में उठाया है, जहां पर वाल्मीकि राम को धार्मिक भी कहते हैं और धर्मज्ञ भी कहते हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को हम गंभीरता से देखने का प्रयास करेंगे और चर्चा को चर्चा के रूप में ही लेंगे, और एकेडमिक उसका जो वैल्यू है, एकेडमिक जो उसकी मर्यादा रहनी चाहिए एक आदमी को, उसको हम सभी रखेंगे ध्यान रखते हुए। और दूसरा प्रश्न भी आप देख लीजिए और ये विचार करने के लिए है, बाद में जिस वक्त आप लोग अपना अपना वक्तव्य देना चाहेंगे तो उसमें इन चीजों को आप ले सकते हैं कि क्या आप अधर्म को भी समझते हैं, जानते हैं, जैसे आप धर्म के विषय में मानते या जानते हैं। तीसरा प्रश्न और इसको आप देख लीजिए कि हिंदू धर्म कथाओं, कर्मकांडों, प्रतीकों एवं दर्शनों की जो व्यवस्था है और जो उनके आपस के संबंध है, उनका आप क्या तार्किक विश्लेषण कभी दे सकते हैं। और ये प्रश्न मैं इसलिए उठा रहा हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि जब आप डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म के ऊपर आप इंटरनेशनल वेबिनार्स होते हुए देखते हैं और आप इस तरह की किताब आपके ध्यान में आती है जिसे विंग्ड स्टॉलियंस एंड विकेट मेयर्स के नाम से आजकल बहुत चर्चित है और उसको वेंडी डोनिगर ने लिखा है, तो इस तरह की जब किताबें आपके सामने आती हैं और वो जब आपको ये चीजें निकाल के दिखाती हैं कि देखिए सनातन धर्म में तो जो है वो जाति व्यवस्था जो है वो घोड़ों तक लगी हुई थी, कि घोड़े भी जो है वो जाति व्यवस्था के अनुसार बांटे गए थे, तो इस तरह के आक्षेप आरोपों के बीच में आप स्वयं कि इन धर्म कथाओं में कर्मकांडों, प्रतीकों और दर्शनों की आपके मन में क्या व्यवस्था बनती है और क्या उसके तर्कसंगत रूप में आप उसकी प्रस्तुति कर सकते हैं। और फिर एक केवल एक छेड़ने के लिए ये प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है, कृष्ण स्वयं ये कहते हैं सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो वो जो सनातन धर्म है उसकी इसके साथ व्यवस्था कैसे आप बिठाएंगे। तो केवल ये एक आप लोगों को सजग करने के लिए कि प्रश्न जो है हमारा जो विषय है उसकी ओर मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये अवश्य चाहता हूँ कि इन प्रश्नों को आप ध्यान रखें क्योंकि ये अभी प्रथम भाग है जिसको हम ले रहे हैं, इसका द्वितीय भाग निश्चित रूप से हमें लेना पड़ेगा। आज के दिन में अगर हम सोचें कि सारा विषय हमें स्पष्ट हो जाएगा और हमारे सारे जो संशय हैं वो समाप्त हो जाएंगे तो ऐसा शायद संभव ना हो, और बहुत सारी आपत्तियां, आक्षेप, प्रश्न, जिज्ञासाएं भी आएंगी और विभिन्न दृष्टिकोण भी मिलने की संभावना अधिक है, तो उन सबको हम देखेंगे। तो जैसे कि आप ये विषय देख रहे हैं, रीवैल्यूएटिंग इंटर रिलेशनशिप ऑफ सनातन धर्म एंड हिंदू धर्म और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका हम एक पुनर्मूल्यांकन आज करने जा रहे हैं। स्थूल रूप में आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म, सनातन शब्द जो है वो ऋग्वेद में भी आया है और वहां पर यह पद सनातन है, ये मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ संस्कृत में इसलिए दे रखा है कि सुविधा हो जाएगी, लेकिन ऋग्वेद में सनातन पथ का जो है वो प्रसंग आता है और अथर्ववेद में भी सनातन शब्द आ रहा है मंत्र में, और सनातन उसे कहते हैं अथर्ववेद में जो आज भी नवीकृत है,
इस अर्थ में सनातन या सदातन उसको आप कहते हैं। लेकिन मैं विषय की ओर अग्रसर होना चाहता हूं, ये तो केवल एक अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए, अपनी प्राचीनता के प्रति अपनी श्रद्धा को भी बनाए रखने के लिए मैंने ये प्रसंग आप लोगों को दिया है। लेकिन अब मुख्य प्रश्नों की ओर आप अग्रसर हों और उसके बाद में आप में से जो पहले बोलने वाले मुख्य वक्ता रहेंगे 7-8 मिनट के लिए, उनका मैं आपसे परिचय भी कराऊंगा और उनका अभिनंदन भी करूंगा। लेकिन क्योंकि प्रश्न इस वक्त महत्वपूर्ण है तो उनकी ओर आप एक बार नजर मार लें। तो कुल मिलाकर के संस्कृत विभाग के मन मस्तिष्क में ये कुछ एक प्रश्न थे कि अगर सभी हिंदूज हैं, आप स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हैं, अगर सभी हिंदू सनातनी हैं तो फिर उसमें जो नास्तिक हैं, आदिवासी हैं, आपके जैन बौद्ध हैं, इनको आप कहाँ पर व्यवस्थित करेंगे, उनको कैसे आप व्यवस्था देंगे, एक तो ये प्रश्न था। दूसरा था कि सनातन धर्म के अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, या हिंदू धर्म के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। सनातन धर्म और हिंदू धर्म तो हम एक मान तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप विचार, जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही जानने का प्रयास करते हैं तो दोनों में अंतर आपको दिखाई देने लगते हैं। तीसरा प्रश्न था कि हाउ डू यू डिफाइन हिंदू धर्म और सनातन धर्म। कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा ख्याल सनातन धर्म शब्द नहीं है, उसको नहीं कहा गया, लेकिन हिंदुओं को परिभाषित किया गया है कि दोज हु आर नॉट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस दे आर हिंदूज, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो लेकिन आप अपने सनातन धर्म को या हिंदू धर्म जिसे आप कह रहे हैं उसको आप कैसे परिभाषित करते हैं। अब केवल समस्या यही नहीं रुक जाती, समस्या और गंभीर हो जाती है जब आप उसके बीच में आर्य कंपोनेंट डाल देते हैं कि आप इतिहास की ओर से आपको बताया गया कि आर्य एक जाति थी और कभी, और हम लोग उसको जाति के रूप में नहीं प्रयोग करते, तो उसको आप कहाँ व्यवस्थित करते हैं कि क्या सारे आर्य जो हैं वो सनातनी और हिंदू रहे, या उनके विषय में आपकी अपनी राय क्या है। और अंतिम जो प्रश्न है वो है सिंस व्हेन एंड हाउ सनातन धर्म बिकेम हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू शब्द आप सभी जानते हैं कि भी बहुत बाद में लोगों के द्वारा दिया गया, बाहर के आतताइयों के द्वारा दिया गया, हमने स्वयं अपने को हिंदू नहीं कहा, हालांकि हम सभी जस्टिफाई उसको कर लेते हैं, हीनम दूषयति और इस तरह की जितनी भी एटिमोलॉजिकल मीनिंग है उनके द्वारा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ये इश्यूज हमारे सामने हैं। तो मैं अपने प्रश्नों को यहीं रोक करके आज के जो मैं शुरू में दो एक विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करना चाहता हूं, उनसे आपको परिचित कराऊंगा, लेकिन उनका समय, क्योंकि ये चर्चा रखनी है तो उनको मैंने विशेष रूप से आग्रह किया था कि 7-8 मिनट के अंदर अंदर वो अपना जो वक्तव्य है, क्योंकि उन्होंने अपने इस विषय में शोध भी किया है और बड़ी निष्ठापूर्वक उन्होंने इसको अलग दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास किया है, तो वो एक हमें आधार भूमि प्रदान कर सकते हैं जहां पर हम अपने अपने अस्त्र शस्त्र तर्कों के, बुद्धि के, भावनाओं के चला सकते हैं। तो उनमें से जो प्रथम मुख्य वक्ता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं दर्शन विभाग जयपुर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो प्रथम वक्ता के रूप में 7-8 मिनट उनका रहेगा। उसके बाद दूसरे जो हमारे मुख्य वक्ता रहेंगे और जिनकी बात से मैं प्रभावित भी हुआ और तर्कसंगत भी मुझे उनकी बात लगी, हालांकि मैं उस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जिस तरह से हिंदू शब्द का उन्होंने एक नया प्रयोग किया है, हिंदू शब्द को हिमेंदु करके जिस तरह से उन्होंने प्रयोग किया और उसके पीछे तर्क उपस्थित किए हैं, मैं विंग कमांडर जो अभी रिटायर हुए हैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं कि लगभग 7-8 मिनट में दूसरे वक्ता के रूप में वो भी अपनी बात हमारे साथ साझी करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी जुड़े हुए हैं, जो जिनसे मेरा निवेदन रहेगा कि बीच में तो चलो जो बात रखेंगे लास्ट में कंक्लूड भी करेंगे, उनका भी स्वागत करते हैं। और साथ में हमारे आज बहुत
हर्ष का विषय है कि डॉक्टर देशबंधु जी जो पूर्व प्राचार्य सनातन धर्म कॉलेज के हैं और आजकल सनातन धर्म सभा को जो उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे मैंने विशेष आग्रह भी किया था और निश्चित रूप से निकट भविष्य के जो दो एक वेबिनार्स हैं चर्चाएं हैं वो उनके साथ मिलकर के भी हम आयोजित करने की इच्छुक हैं और निश्चित रूप से कुछ एक विषय जो बहुत टेढ़े हैं क्योंकि जितने आक्रमण हो रहे हैं जितने हमारे पे आक्षेप लगते हैं उनको लेकर के सनातन धर्म सभाएं और सनातन धर्म के साथ जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं वो अपना पॉलिटिकल और सोशल अपने को किस तरह से परिभाषित करती हैं प्लेस करती हैं उन विषयों पे भी हम भविष्य में निकट चर्चा करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हालांकि कुछ एक बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ बहुत संक्षेप में बातें रखूंगा लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए इन दो मुख्य वक्ताओं के बाद हम ओपन हाउस करेंगे। आप लोग अपनी अपनी राय अपनी बात रख सकते हैं और लेकिन बहुत सटीक रूप में। आप सभी विद्वान हैं जानकार हैं और इस विषय के प्रति जिज्ञासु भी हैं आग्रहशील भी हैं सब बातें आप जानते हैं मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए तो मैं प्रथम वक्ता को 7-8 मिनट के लिए मैं बार बार समय के लिए निवेदन करूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को कि मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और भी सभी विद्वान जिनका मैं नाम अभी नहीं ले पाया हूँ सिर्फ केवल समय को बचाने के लिए और ताकि इसको हम चर्चा को अग्रसर कर सकें। जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज की ये जो संगोष्ठी है इसमें जितने भी लोग पधारे हैं उनको मैं सादर प्रणाम करके अपनी बात संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ। यहाँ जो आज तो दिन बहुत से प्रश्न उठाए जिन पर एक प्रश्न पर बोले तो बहुत समय लेती है पर इनके प्रश्न बहुत से हैं जो जो मुझे लग रहा है उनके बारे में बोलता हूँ। पहला जो प्रश्न था इनका कि धर्म और धर्मज्ञ में एक अंतर माना, तो पहले हम ये समझे धर्म है क्या। धर्म की बहुत सी व्याख्याएं हैं पर धर्म मेरे हिसाब से धर्म क्या है, हमारा कर्म कहलाता है, हमारा आचरण धर्म कहलाता है और उसे ही धर्म माना गया। धर्म को ये भी कहा कि जो मोक्ष को दे ज्ञान को दे, पर जो भारत में धर्म की जो व्याख्या की गई कि धर्म है क्या और धार्मिक क्या है, तो मैं केवल इसी पर बोल दूं तो धार्मिक जो है जैसे हम समझते हैं कि भी कोई तिलक लगा रहा है मंदिर जा रहा है वो धार्मिक है, वो धर्म नहीं है। धर्म को हमेशा हमारे भगवान का रूप माना गया। भगवान और धर्म में कोई अंतर नहीं है, भगवान और हमारे संस्कृत साहित्य में कोई अंतर नहीं है। हमारा जितना भी संस्कृत साहित्य आज तक लिखा गया वो केवल धर्म की व्याख्या ही लिख रहा है। 4 युग लगे धर्म की व्याख्या लिखने में, समस्त वेद जो कहते हैं धर्म है, जो हमारी स्मृतियां कहती है, 1 युग कृत युग में धर्म की व्याख्या वेदों से हुई, स्मृतियां जितनी भी स्मृतियां लिखी गई उन्होंने 2 युग में व्याख्या की धर्म की और उन्होंने कहा कि जो श्रुति स्मृति में कहा गया वो धर्म है। 3री जो व्याख्या धर्म की गई पुराणों में की गई और 4थी व्याख्या तंत्र में आगम में की गई, तो 4 बार धर्म की व्याख्याएं की गई युग के अनुसार। तो इसमें जो सनातन धर्म क्या है, पहला जो प्रश्न आपका सनातन धर्म क्या है, जो आपने बताया कि सनातन यानी जो हमेशा रहेगा, धर्म नित्य है, ये जीवन हमारा नित्य नहीं है। धर्म को जिस अर्थ में हम देख रहे हैं हिंदू धर्म एक ही है, वास्तव में धर्म भी एक ही है, बाकी जितने भी धर्म और धर्माभास हैं वो लगते हैं धर्म, वो धर्म नहीं हो सकते। धर्म वो होता है जो हमेशा रहेगा, जैसे आत्मा हमेशा रहेगी और जैसे आत्मा हमेशा रहेगी परमात्मा हमेशा रहेंगे, वैसे धर्म भी हमेशा ही रहता है। धर्म की जो व्याख्या जब महाभारतकार ने शुरू में किया कि मैं ये महाभारत लिख क्यों रहा हूँ, तो कहते कि मैं धर्म की व्याख्या के लिए लिख रहा हूँ। महाभारत में उन्होंने कहा कि मैं धर्म की व्याख्या लिख रहा हूँ, जितनी भी व्याख्या अन्य दर्शनों में हुई अन्य धर्मों में हुई वो अर्थ और काम को लेकर के है कि हम कैसे पैसा कमाएं कैसे हमारी इच्छाएं पूरी करें। पूरा पश्चिम का दर्शन इसी पर टिका हुआ है। भारतीय दर्शन जो है उसका मूल धर्म रहा कि धर्म और ज्ञान। हमारे आत्मा में 2 चीजें हैं, एक तो हम जो हमारा ज्ञान है और एक हमारी क्रियाएं हैं, हम जो क्रिया करते हैं उसे धर्म कहा गया कि हम जो भी क्रिया मनुष्य का आचरण होगा वो धर्म होगा और अगर हम वो गलत कर देते हैं वो अधर्म कहलाता है। तो धर्म अधर्म दोनों एक ही चीज है। अगर हम जिसको कहते हैं कि जो परम शास्त्र के द्वारा कहा गया वेद पुराण स्मृति या अपने द्वारा कहा गया वो धर्म है और उसको वो जो विहित किया गया कि ये कर सकते हो और जिसको मना किया गया ये नहीं कर सकते वही धर्म है।
तो कोई भी कर्म या तो धर्म होगा या अधर्म होगा। अगर जो हमारी परंपरा और हमारे विद्वान जो ज्ञानी लोग कह गए उसको हम करते हैं उसी तरीके से, धर्म है उसे विपरीत तरीके से करते हैं तो वो अधर्म हो जाता है। तो धर्म अधर्म हमें दोनों में कोई ना कोई करना ही पड़ेगा। कि अब धर्म जो हम करेंगे तो उन्होंने व्याख्या की कि धर्म जो है पहले सनातन धर्म में क्या होगा, तो पहले से हम मनुष्य धर्म की बात करते हैं कि मनुष्य का धर्म क्या है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का धर्म जो है उसे उन्होंने साधारण धर्म कहा, कि एक धर्म था साधारण धर्म, कि जितने भी मनुष्य उनका धर्म क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए कम से कम आप पांच धर्म मान लीजिए, अहिंसा, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन पांच को चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सनातनी हो, जो भी इनको मानता है वो मनुष्य है। मनुष्य होने का धर्म ये है कि हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांच जो है इसके धर्म के, उसको सनातन धर्म कहा गया कि ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म क्यों है कि इसमें दूसरे की चिंता कर रहे हैं कि मैं दूसरे से झूठ नहीं बोलूं, यानी मैं सत्य बोलूं। तो सत्य बोलने का अर्थ है मैं दूसरे से मेरा व्यवहार मैं दुखी नहीं करूं, अहिंसक हूं, मैं किसी को पीड़ित नहीं करूं। तो ये अहिंसा, सत्य, मैं दूसरे का सम्मान नहीं लूं, चोरी नहीं करूं, जो भी इनको मानता वो धर्म को समझ रहा है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दूसरे की स्त्री के प्रति मेरी दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए और मैं एक तरह से किसी भी स्त्री से, अन्य स्त्री से संपर्क नहीं करूं, और चौथा जो अधिक इकट्ठा भी नहीं करूं, मैं अधिक धनी नहीं बनूं। ये पांच उन्होंने कहा कि ये सामाजिक धर्म है, ये मनुष्य समाज में रहने के लिए ये आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बाद में व्यक्ति का धर्म क्या होगा, समाज का धर्म अलग है, व्यक्ति का धर्म उन्होंने कहा कि पांच है। पतंजलि इसको स्पष्ट करते हैं कि भाई अहिंसा, वो कहते हैं सोच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर, प्रणिधान। तो उन्होंने कहा कि ये पांच धर्म जो है ये व्यक्ति के कल्याण के लिए, ये समाज की शांति के लिए है, कोई भी समाज इन पांच के बिना नहीं रहेगा। जैनियों ने भी कहा हम मान लेते हैं, इनके यहाँ महाभत, अनुव्रत कहे, बौद्ध ने भी इनको मान लिया कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय। तो जो इनको मानता वो धर्म को समझता है कि धर्म का मतलब ये पांच गुण जिससे मनुष्य बने रहे। अब इनसे हम उल्टा करते हैं, उल्टा कब करते हैं, हम अहिंसा का पालन नहीं करके हिंसक हो जाते हैं, हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरे को दबाना शुरू करते हैं, दूसरे को पीड़ा देते हैं, यही पाप है। कि दूसरे को जब हम परपीड़ा देते हैं तो व्यास ने कहा कि धर्म की मैं दो लाइन में व्याख्या करता हूं कि दूसरे को पीड़ा देना ही पाप है और दूसरे का उपकार करना ही धर्म है। तो हम समाज में दूसरों की चिंता करते हैं वो धर्म कहा गया। ऐसा धर्म है सनातन, है बार बार वो कहते हैं ये धर्म है। मनु ने कहा कि सत्यम बुरियात, प्रियम बुरियात, न बुरिया सत्यम अप्रियम, सत्यम तो नानतम बुरिया, धर्म ऐसा सनातन है। कि सनातन धर्म है क्या, कि सत्य बोलिए, पहले हमारा धर्म है सत्य बोले, हम व्यवहार में, मन और वाणी में जो बोलते हैं वही करें, हम बोले कुछ करें क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सत्य कहलाता है। सत्य बोले पर प्रिय भी बोले, सत्य के साथ दूसरी सत्य उन्होंने लिखी कि प्रिय बोले, केवल सच बोलने से नहीं होगा, अप्रिय सत्य भी नहीं बोले और झूठा सत्य भी नहीं बोले, ये हमारा सनातन धर्म है। तो सत्य, अहिंसा, इस तरह से उन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म की व्याख्या है। दूसरी व्याख्या जो धर्म की याज्ञवल्क ने, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा परम धर्म क्या होता है, श्रेष्ठ धर्म क्या होता है, तो वो कहते हैं कि योग के द्वारा आत्मा का दर्शन करना ही परम धर्म है। हम जो भी संस्कार करें, व्रत कर रहे हैं, इसमें धर्म की बहुत व्याख्याएं की गई, तो व्रत, तप, यप, नियम किस लिए किए जाते हैं, संस्कृत करने के लिए, कि हम अपने आप की आत्मा को संस्कार करें और हम दूसरों की बात सोचते हैं, दूसरों का हित देखें, अपना हित नहीं देखें, हमारा हित गौण है। तो जो ऐसा करता वो भगवान है, और क्या भगवान होगा, भगवान ये है कि जो सबका भला करता हो। तो जो ये दृष्टि है इसको हम धर्म कहते हैं। इसी दृष्टि से सनातन धर्म एकमात्र धर्म है विश्व का। और धर्म धर्म नहीं होते, वो अपने कुछ बातें मानते हैं, कुछ नहीं मानते, और वो जो श्रुति, स्मृति, पुराण, इनको कोई मानता कोई नहीं मानता। जैसे आपने कहा आर्य समाज, आर्य समाज जो है वो मंत्र मानूंगा, ब्राह्मण नहीं मानूंगा, उपनिषद मानूंगा, पुराण नहीं मानूंगा, तो वो अपनी ओर से कांट छाड़ कर देते हैं। तो वैसे वैसे इनमें धर्म का लेवल कम होता जाता है। तो कोई आदमी जैसे माने जैन बौद्ध हैं, ये वेदों को ही नहीं मानते कि हम वेद नहीं मानेंगे, तो ठीक है, वो जो नहीं मानते हैं वो उतना उनमें धर्म का इच्छा कम हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि हम पुनर्जन्म मान लेते हैं, तो हम जो भी कर्म करेंगे उन कर्मों का हमें फल भोगना पड़ेगा। ये मूल अवधारणा थी कि जो भी कर्म करते हैं वो कर्म ही हमारे धर्म है, वही हमारा आचरण ही हमारा धर्म है। जो हमने अपने जीवन में किया उसका हमें फल भोगना पड़ेगा। तो जैन बुद्ध ने कहा ये बात तो हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं, वो जो मानते हैं माने, पर जो उन्होंने नहीं माना तो धर्म के जो सूक्ष्म विवेचन थे उनको नहीं स्वीकार करते हैं, पर कुछ वो स्वीकार कर लेते हैं, तो उतना उनमें धर्म की कम अंश होता गया। इस तरह से जितने भी धर्म है उनका, नास्तिक, जैन, बौद्ध, इनके हम इस तरह से समीकरण कर सकते हैं। गीता में कहा कि विधर्म, विधर्म क्या है, पर धर्म क्या है, तो दूसरे का धर्म वो कहते हैं गीता में, स्वधर्म है निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, कि अपने धर्म में मरना ही ठीक है, जो मेरा धर्म है। तो ये मैंने साधारण धर्म की बात की, अपना धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का धर्म अलग धर्म होता है, वो जैसा उसने अपना मतलब स्वभाव शुरू किया, जैसी उसने जीविका शुरू की, जैसा वो
व्यवसाय करता है तो ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, ये धर्म वर्ण धर्म कहलाते हैं, ये उनसे जुड़े हुए हैं। उनके स्त्री धर्म अलग है, ऐसे आश्रम के अनुसार भी धर्म होते हैं। तो इन्होंने विशेष धर्म कहा, ये साधारण धर्म नहीं है, ये मनुष्य धर्म नहीं है, ये केवल एक वर्ग विशेष के धर्म होते हैं। तो स्त्री वर्ग का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पुत्र का अलग है, पिता का अलग है, माता का अलग है, गुरु का अलग है। तो ऐसे हम धर्मों का बहुत विश्लेषण हो जाएगा कि हर चीज का एक धर्म होगा, एक हर पदार्थ का भी एक धर्म होता है, अग्नि का धर्म, वायु का धर्म। तो इस तरह से हम देखते हैं तो पूरी दुनिया हमें धर्ममय दिखाती है कि सब अपने धर्मों का पालन करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने धर्मों को छोड़ दे। जहां मनुष्य होता है वो छोड़ना चाहता, क्यों? तो कहते हैं मनुस्मृति में मनु कहते हैं धर्म काम ऐसु प्रसक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, कि लोग अर्थ और काम के पीछे भागते हैं। समस्या केवल ये कि हर व्यक्ति अर्थ काम ऐसु सक्ता नाम, कि जब अर्थ और काम की ओर पीछे भागते हैं तो हम धर्म ज्ञान की चर्चा शुरू करते हैं कि धर्म ज्ञान इसीलिए किया जाता है कि अर्थ काम ऐसु सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानम, और धर्म को जानना चाहते हो तो आप इन सब शास्त्रों को पढ़ें, इनसे आपका जो है वो समस्त मार्ग आपके सामने आ जाएगा। इसलिए जो ये व्याख्या थी, आपने एक प्रश्न में लास्ट लाइन बोल रहा हूँ कि सर्वान धर्मान परित्यज, एक बात पूछी थी आशुतोष जी ने कि सब धर्मों को छोड़ दो, तो जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो जितने भी मेरे धर्म होते हैं, व्यक्तिगत धर्म होते हैं, उनको मैं छोड़ सकता हूँ। मैं आत्मा हूँ, ये धर्म तो नहीं छूटेगा कभी, मेरा ज्ञान हो नहीं छूटेगा, पर मैं जितने भी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों से मुक्त होना वहां सर्वधर्म का अर्थ है कि हमारे जो विशेष धर्म है, व्यक्तिगत धर्म है, उनको हम छोड़ दें और भगवान की शरण ले लें, जैसा भगवान का आदेश हो वैसा करें, इसका ये आशय मैं समझता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, आपने बहुत सटीक रूप में बहुत सारी सूचनाएं हमें दे दी हैं, और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अविनाश जी अपने समय आने पर कुछ टिप्पणियां करेंगे, क्योंकि जब बुद्ध भी कहते हैं इस धम्मो सनातनो, तो वहां पर उसके क्या अभिप्राय है, और इसी तरह से जिस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करेंगे और सनातन धर्म के इस नैतिक पक्ष को ध्यान में रख करके बात करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि निकट भविष्य में इस पे भी डॉक्टर देशबंधु जी जो है वो कोई चर्चा आयोजित शिक्षा बोर्ड की ओर से अवश्य करें। तो अब मैं समय का ध्यान रखते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ विंग कमांडर जगदीश कुमार शर्मा जी को, कि लगभग 7-8 मिनट में इसी प्रकार से वो अपनी बात भी जो उन्होंने शोध किया है उसको हमारे साथ साझा करें। आभार आपका आशुतोष जी, और सबसे पहले मैं सब विद्वान लोगों को नमस्कार करता हूं और फिर अपनी बात रखता हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब मैं अपना विचार रख रहा हूं वो मात्र एक विचार है मेरी ओर से, उसमें मेरी ये कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी के ज्ञान को या किसी के अहंकार को या किसी के पोजीशन को मैं केंद्र में रख करके ऐसी बात कर रहा हूं। मैं केवल एक विचार रख रहा हूं जो मेरे शोध के अनुसार जो मुझे सही प्रतीत लगता है और वो जो मैंने पूरे प्रमाणों के साथ उसको बार बार परखा है। अब आते हैं विषय पर। आपका जो विषय है ये एक बहुत ही व्यापक विषय है, ये मैं कहना चाहूंगा, और ये इतना बड़ा विषय है कि इसको समझने के लिए हमें पहले मूल की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, और वो मूल जो है वो मैं पाता हूं कि वो भाषा है। आप और हम अगर थोड़ी देर के लिए भाषा को अपने वक्तव्यों में, अपने लेखों में, अपने विचारों में अगर उसको निकाल दें तो शायद हम सोचने तक में सक्षम नहीं रहेंगे। बिना भाषा के हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सोचने के लिए हमें शब्द चाहिए। तो इसलिए किसी भी विचार को समझने के लिए, किसी भी वेद को, शास्त्र को समझने के लिए हमें इन शब्दों की सही अर्थों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वेद क्या है? वेद शब्दों का संग्रह है। आप कोई स्मृति ले लीजिए,
वो शब्दों का संग्रह है। आप अपना विचार दूसरे के साथ प्रकट करते हैं तो वो शब्दों से होता है। इसलिए इन शब्दों का महत्व जो है वो सबसे अधिक हो जाता है। और उसमें भी हमें ये देखना है कि हम इन शब्दों के जो मूल अर्थ हैं उन तक पहुंचे। मूल अर्थ से मेरा अभिप्राय है कि वो शब्द, वो भाषा जिसको प्रयोग करके हमारे पूर्वज महान ऋषि मुनियों ने इन शास्त्रों को लिखा है, अगर हम उन शब्दों के सही अर्थों को जैसे उन्होंने प्रकट किए थे अगर हम नहीं जानते हैं तो शायद हम एक बहुत बड़ी भूल करते हैं कि हम अपने जो विचार हैं, अपने जो सोच है, अपने जो कर्म हैं, उनको गलत तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं या गलत समझने की और समझाने की कोशिश में है। बहुत विद्वान हुए हैं, मैं उनमें से किसी को भी चैलेंज नहीं कर रहा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हर तरह से सही है। वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि जिन अर्थों का प्रयोग उन्होंने करके हमें समझाने की कोशिश की है वो शायद आज बिगड़ चुके हैं। हम कहते हैं कि शब्द अपभ्रंश हो गए, शब्द जो हैं वो केवल अपभ्रंश अर्थ में नहीं होते, वो उनके उच्चारण भी अपभ्रंश हो गए हैं, उनकी रचना भी अपभ्रंश हो गई है, और वही अपभ्रंश शब्द और अपभ्रंश अर्थों वाले शब्द हमारे पास बार बार आ गए हैं और प्रचलन में हो गए। अब ये हो गया है कि जो शब्द अपने अर्थ, मूल अर्थ को लेकर होने चाहिए थे हमारी समझ में, वो अब प्रचलित अर्थों में हमारे पास हैं। और यही कारण है कि हमारे ग्रंथ जो हैं, हमारे शास्त्र जो हैं, वो हमारे लिए एक रहस्य बन गए हैं। हर व्यक्ति, हर विद्वान उनको अपने ढंग से व्यक्त करता है और उनकी व्याख्या करता है, और हम एक दूसरे से सहमत नहीं होने पा रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ समझता हूं, आप कुछ समझते हैं, और जब हम बैठ के शास्त्रार्थ करते हैं तो हम एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते। शास्त्रार्थ का अर्थ भी यही है कि जो शास्त्र सम्मत ढंग है उसी से उन शब्दों के अर्थ हमें लेने चाहिए, और अगर हमें नहीं पता है तो हमें उनको निकालना होगा। अब इसके साथ मैं आता हूं विषय के ऊपर। विषय ये है कि हम कह रहे हैं कि धर्म क्या है। अब धर्म जो है हम लोग जिस ढंग से उसको लेते हैं, सनातन धर्म या हिंदू धर्म या पति धर्म या पत्नी धर्म या कुटुंब धर्म, आप थोड़ा सा देखेंगे कि कुछ शब्दों में तो धर्म का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम मूल अर्थों पे जाते हैं तो हम पाते हैं कि ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। जैसे सनातन धर्म, सनातन जो है हमने उसका एक अर्थ लगा रखा है कि प्राचीन, पुरातन और व्यापक और शाश्वत, ऐसे करके हमने उसका अर्थ लगा रखा है। परंतु जब मैंने इन सब चीजों में शोध किया तो मैं पाता हूं कि शब्द जो हैं, आप सब भी सहमत होंगे, वो बनते हैं वर्णों से, वर्णाक्षरों से, अक्षरों से, और हर अक्षर जो है और हर वर्णाक्षर जो है वो ध्वनि की एक इकाई है, और ध्वनि जो है वो शक्ति का एक पुंज है, और वो इकाई जो है उसका जो हम उच्चारण करते हैं, तो आप ये भी पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने एक शास्त्र ही लिखा है उच्चारण के ऊपर पूरी तरह, क्योंकि उसकी बड़ी महत्वता है, और उस शब्द की रचना इन वर्णों के योग से, सायुज्य से, या साथ में रख करके या उनमें मात्राएं डाल करके ही होता है, अन्यथा नहीं होता। उसके लिए उन्होंने एक व्याकरण बनाया था। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा
कि हमारे शब्दों के आधार जो हैं वो अक्षर हैं, वर्णाक्षर हैं। वर्णाक्षर इसलिए कहा जाते हैं कि वो अक्षर जो है वो एक पर्टिकुलर ध्वनि की इकाई को वर्ण करता है। जैसे स्वयंवर में स्त्री पुरुष को वर्ण करती है, उसी तरह ये अक्षर जो हैं वो जब वर्ण करते हैं ध्वनि को तो वर्णाक्षर कहते हैं हम। और जब हम उनको लिख देते हैं तो वो लिपि एक आकार लेती है, तो उसे लिपाक्षर मैं पाता हूं कि वो लिपाक्षर होते हैं। जब हम उनको उच्चारण करते हैं तो वो वर्णाक्षर होते हैं। और जिनको हम बोल नहीं सकते, जिनको हम जिनमें प्राण नहीं होते, वो व्यंजन होते हैं। तो इन सब अक्षरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उनका आसपास की चीजों पे प्रभाव पड़ता है। जैसे आप बैठे हैं, किसी ने आप बाहर से कुछ शाउट कर दिया तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। वो इसलिए होते हैं कि वो जो ध्वनि आपके पास पहुंचती है वो आपको डिस्टर्ब कर देती है। अगर वो मधुर है तो आपको अच्छा लगता है, अगर वो उसका प्रभाव सुप्रभाव होता है, अगर वो बुरी है या कर्कश है तो आपको बुरा लगता है। सर अगर आप कुछ दो उदाहरण दे दें, क्योंकि समय की सीमा है, तो हमें थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हिंदू शब्द की आपने एक मुझे व्याख्या बताई थी, तो थोड़ा सा हमें सुविधा हो जाएगी। जी जी, पहले तो मैं सनातन शब्द ले लेता हूँ। सनातन जो है ये इसकी जो रचना है इसको आप देख लीजिए, स नाथ तन नाथ न। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो जो स शब्द का अर्थ है, जैसे आप देखते हैं स वहां प्रयोग होता है जो ये एक सबसे कम ऊर्जा वाला उष्म अक्षर है। श सबसे ज्यादा है, उसके बाद पेट चीरे वाला जो श आता है, फिर उसके बाद स जो प्रयोग होता है सब जगह, सौम्य, अच्छा, सुंदर, सभ्य, सरल, सहज, सब में स लगेगा। वो इसलिए थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो आप पाएंगे कि स जो है वो एक सरलता, सहजता, सुंदरता का प्रतीक है, सभ्यता का प्रतीक है। और नात जो है वो नाता है, आप देखते हैं जो हम संबंध बनाते हैं, तो सनातन और उस संबंध को प्रवाह में रखना जो है वो सनातन है। तो सनातन कोई धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन तो एक संज्ञा है जो एक तरह के व्यवहार को हम दे रहे हैं कि जब आप धर्म जो है उसके विपरीत, धर्म जो है धारण करने योग्य हम कहते हैं वो धर्म है, मगर कपड़ा भी हम धारण करते हैं तो क्या कपड़ा भी धर्म है? नहीं, धर्म वो है, ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं। धर्म जो है वो, उसकी डिटेल में जाने से अभी समय नहीं है, तो धर्म जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है जो डिसाइड करता है। जब हम कहते हैं ये तूने अच्छा किया या तूने बुरा किया, तो हमारे लिए जो अच्छा है या व्यक्ति के लिए जो अच्छा है वो उस रूल्स को अगर फॉलो करता है तो वो उसका धर्म है। अगर वो फॉलो करता है तो ठीक है, नहीं करता तो वो ठीक नहीं करता है, वो धर्महीन है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी जी। तो सनातन कोई सनातन तो तब है, एक नियम है अगर हम उनको फॉलो करते हैं। जैसे अगर एक कोई जानवर है, आप उसको रोटी देते हैं तो वो आपके पीछे आना शुरू कर देगा, आपको प्यार करना शुरू कर देगा। यानी कि आप जब उसको रोटी देते हैं वो आपको प्यार देता है, तो आपने एक सनातन स्थापित कर लिया है। उसी तरह हिंदू शब्द के ऊपर आ जाते हैं कि हिंदू जो है वो एक पारसी वर्ड है जो कि सिंधु शब्द से बिगड़ करके, क्योंकि उनको उच्चारण नहीं करना आता था उसका सही से, तो उन्होंने हिंदू, और क्योंकि उन्होंने हम पर आकर के आक्रमण किया और हम पर राज किया, और इसलिए वो ये वर्ड को प्रयोग करते थे जो कि एक प्रचलित वर्ड गया, ये अपभ्रंश शब्द है। और जब हमारा जो सही शब्द है वो मैंने बताया आपको कि हम जो है, हमारा जो ये स्थान है ये बड़ा संपन्न, समृद्ध और शांतिपूर्ण स्थान है जो हिमालय और हिंदू महासागर के बीच में स्थित है।
तो इसका जब समास बनाते हैं तो पहला शब्द जो है हिमालय का हिम और हिंदू महासागर जिसका नाम अभी बिगाड़ करके हिंदू महासागर कर दिया है, वो पहले हिंदू महासागर था। और हिंदू शब्द और हिम शब्द का जब हम मिल करके समास बनाते हैं फिर उसको स्थान से जोड़ते हैं तो वो हिमेंदू स्थान बन जाता है। तो हिमेंदू स्थान के जो वासी हैं वो हिमेंदू हुए। और हमारा जो चाल चलन, हमारा जो जीने की शैली है वो हिमेंदू शैली हुई, उसको हिमेंदुत्व कहना चाहिए ना कि हिंदू। हमें बाहर से थोपे गए शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि सही नहीं है जी। तो इसके बाद जो है इसीलिए मैंने कहा कि ये एक बड़ा विशाल शब्द, एक व्यापक टॉपिक है। तो हमें धर्म का सही प्रयोग करना चाहिए और धर्म के अलग अलग रूप है जिसमें प्रत्यय लगा देते हैं या हम उपसर्ग लगा देते हैं तो बदल जाता है। जैसे धर्म, धर्म को हमने अधर्म कह दिया। अधर्म जो है वो सेल्फिश मोटिव से होता है क्योंकि उसमें अ है, क्योंकि मूल स्वर आप देखेंगे कि तीन है, उ अ और ई। तो ई जो है वो प्राण का द्योतक है, उ जो है दूसरे का है, अ जो है हम स्वयं को कहने के लिए है। तो जब हम अधर्म कहते हैं तो जब हम कुधर्म कहते हैं तो कु जो है अधिकतर या सब जगह आप देखेंगे जो भी बुरा होता है उसमें कु लगता है, जैसे कुलक्षणी कह देते हैं, उल्टा कह देते हैं और भी बड़े शब्द हैं तो कु वहां पे लगता है। जैसे कुज्ञानी कहना चाहिए, जिसका ज्ञान जो है वो गलत है उसको हमें कुज्ञानी कहना चाहिए, वो कुज्ञानी है, वो अपने कर्म कुज्ञान के हिसाब से कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हिंदू है वो एक्चुअली गलत शब्द है और इसका मैंने बहुत व्याख्याएं देखी है, पर मैंने देखा है कि जब उसको धरातल पे ला करके आधारभूत जो वर्ण हैं उनके हिसाब से उनके अर्थों को परखा जाए तो वो निरर्थक निकलते हैं, कुअर्थी निकलते हैं, वो दुष्प्रभावी निकलते हैं। और उसका असर हम जो आज के जीवन में, आज के समाज में बड़ी स्पष्टता से देख सकते हैं, पर हमें समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो है इसके बाद आपके प्रश्नों को मैं बाद में एक एक करके लूंगा, पर ये मेरी जो है आधार है जिसको आप विचार करें और उस पे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सही रास्ते में हम जाएंगे। जी जरूर सर, धन्यवाद सर। हाँ, आपने एक नए परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखी है कि हिंदू शब्द की जगह हिमेंदू ज्यादा तर्कसंगत और उचित है, लेकिन ये विषय जो है हम निश्चित रूप से बाद में लेंगे और जरूर इस पे विचार किया जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारा ये सत्र जो है दो वक्ताओं के बाद ओपन है, तो जिसके मन में, और मैं चाहूंगा कि अगर नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं सारे स्क्रीन पे नहीं देख सकता, तो निश्चित रूप से वो इस विषय पे अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस हाउस को ओपन करूं डिस्कशन के लिए और आप लोगों की बातचीत को आमंत्रित करूं, सनातन धर्म को क्या हम ये जो ऋण त्रय है, आश्रम त्रय है और आश्रम चतुष्टय और पुरुषार्थ चतुष्टय, क्या इसे हम परिभाषित कर सकते हैं? एक तो ये प्रश्न है, ये आप लोगों के सामने है, जिसे आप गृहस्थ आश्रमवान और पुरुषार्थ चतुष्टय और ईर्ष्णात्रय कहते हैं या तीन डेप्थ जिसे आप कहते हैं। एक तो पक्ष ये है कि सनातन धर्म को हम इस तरह से परिभाषित करके और फिर उसको हम समाज में स्थापित करें। एक और पक्ष है और इसके बाद आप लोग अपनी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं अपना परिचय देते हुए, कि सनातन धर्म के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो मुझे लगता है वो इस तरह से हैं। अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो आपको चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाई देंगे। पहला संस्कृत, सनातन धर्म जो है वो संस्कृत के बिना आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते, यज्ञ और फिर थियोलॉजिकल थॉट जिसे देववाद कहते हैं, और चौथा है उसमें आत्म और ब्रह्मन। तो संस्कृत, यज्ञ, थियोलॉजिकल थॉट और आत्म और ब्रह्मन की बात करना एक पक्ष है, तो सनातन धर्म का ये एक पंख आप कह लीजिए। और दूसरी तरफ आप एक्स एक्सिस पे देखें तो उसमें आपको पांच चीजें दिखाई देंगी, कि वर्ल्ड निगेटिंग एटीट्यूड, कि भाई संसार मिथ्या है, एक्सट्रीम एसेटिसिज्म, और फिर पूजा, इमेज वर्शिप जिसे आप कहते हैं, योग, टेक्निक ऑफ मेडिटेशन,
कि भाई किस किस तरह से आप ये करेंगे, ध्यान धारणा समाधि करेंगे, और फिर उसके साथ एथीस्म भी आपको उतना ही प्रबल रूप में दिखाई देता है। ईश्वर की वेदों में कोई ऐसा बात आपको नहीं दिखाई देगी। वो ठीक है कि आप उसको स्थापित कर दें, मान लें, जो मर्जी करते रहें, लेकिन मेरी समझ में तो वेदों में कोई ईश्वर की ऐसा बात नहीं है। अब जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को क्लब करते हैं, तो आपके सामने जो सनातन धर्म के सात तत्व उभर करके आते हैं। तो मतलब आप लोगों की चर्चा के लिए और कमेंट्स के लिए और क्रिटिकल एवेल्युएशन के लिए मैं ये रख रहा हूँ कि जब आप इन दो पक्षों को जब मिला देते हैं, तो उसके बाद जो सनातन धर्म का रूप उभर के आता है वो माया के रूप में आता है, माया का सिद्धांत के रूप में। संसार, कर्म, मोक्ष, भक्ति और पुरुषार्थ और वर्ण और जाति, तो सात ये तत्व मिलकर के मुझे लगता है कि ये सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो सनातन धर्म को परिभाषित करते हैं, और इसके आधार पर हमें पूरा अपना रीथिंक करना चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर भी, अपना बाकी सब कुछ भी। तो इसके साथ ही मैं नंद किशोर जी से निवेदन करूंगा कि वो संक्षिप्त सी टिप्पणी अपनी हमारे साथ साझी करें इस विषय के ऊपर, जो भी उनको लगता है। सर्वप्रथम सभी मनीषी विद्वानों को प्रणाम। दो वक्ताओं ने सनातन धर्म के संदर्भ में अपने परिपक्व विचारों को प्रस्तुत किया है। मैं सीधा विषय पर आ रहा हूँ। विषय है सनातन धर्म एवं हिंदू धर्म के अंतः संबंध। वास्तव में ये विचारणा तब उत्पन्न हुई जब कुछ लोगों ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को अलग अलग परिभाषित किया, जबकि वास्तविकता ये है कि दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। कुछ लोग समतावादी होते हैं और कुछ विषमतावादी। जब हिंदू धर्म की परिभाषा दी जाती है तो ये कहा जाता है कि बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं और अन्य कई प्रकार के जो संप्रदाय वाले हैं, आर्य समाजी हैं, वो भी हिंदू हैं और सनातन धर्मी भी हिंदू हैं। जबकि ये जो एक युग विशेष की इस प्रकार की देन रही, जब आर्य समाज और सनातन धर्म के बीच में मूर्ति पूजा को लेकर, साकार और निराकार के स्वरूप को लेकर के निरंतर जो है ना शास्त्रार्थ हुआ करते थे। परंतु मेरा ये मानना है कि इन पांचों ही जो सनातन धर्म के उपांग धर्म है, संप्रदाय है, उनमें कोई मूलभूत अंतर नहीं है। बौद्ध धर्म का जो शून्यवाद है हमारे वेदांत के साथ अद्भुत साम्य रखता है, और उस युग में आदि शंकराचार्य को कुछ लोगों ने उन पर व्यंग करते हुए प्रछन्न बुद्ध तक कह दिया गया था। दूसरे, बौद्ध धर्म की अनेक मान्यताएं सनातन धर्म से बिल्कुल मेल खाती हैं। हमारे यहाँ पर अवतारवाद और जातक या पुनर्जन्मवाद माना जाता है, और बौद्ध धर्म में जातक साहित्य जो है ना वो पूरी तरह से सारा का सारा महात्मा बुद्ध के अनेक जन्मों की कथाएं उसमें वर्णित की गई हैं। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, कि जो बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही है उसको बौद्ध धर्म भी मानता है, जैन धर्म भी मानता है, और 10 गुरु हुए तो सिख धर्म में तो साकार प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई देता है। तो अनेक सनातन धर्म के सिद्धांत और हिंदू धर्म के सिद्धांतों में बहुत समानता है। वास्तव में सनातन धर्म की किसी एक विकृति को रेखांकित करते हुए उसकी प्रतिक्रिया में उसके शुद्धिकरण के लिए अनेक प्रकार के आचरण शुद्धि के प्रसंग प्रारंभ हुए और धीरे धीरे उन्होंने संप्रदाय का रूप ग्रहण कर लिया। तो मेरा ये मानना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, सिख धर्म और हमारा सनातन धर्म, मूलभूत इनके जो मौलिक तत्व हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, अवांतर भेद है, उपासना पद्धति में भेद है, व्यवहार में थोड़ा भेद है। जहां तक चिंतन का प्रश्न है, जहां पर सेवा, व्रत, उपवास आदि का प्रश्न है, उनमें कोई मूलभूत अंतर नहीं है, केवल थोड़ा सा अंतर उपासना पद्धति का है। कर्म कांड के अंदर अवश्य अलग अलग विचारणाएं हैं और उनकी अलग अलग एक प्रकार की व्यवहारिकता हमें देखने में मिलती है, और वो हमें सनातन धर्म में भी देखने को मिलती है। हमारे जो उत्तर की उपासना पद्धति है या कर्मकांड पद्धति है और दक्षिण की जो
कर्मकांड पद्धति है उसमें मूलभूत अंतर है, बहुत अंतर है। और इसी तरह से इसका उल्लेख हमारे यहाँ निरुक्त में महर्षि यास्क ने भी किया है, उच्चारण में भी बहुत कुछ ज्यादा अंतर है। हमारे यहाँ पर जो प्रातिशाख्य हैं उन प्रातिशाख्यों में शब्दों के बारे में, उच्चारण के बारे में हमारे एक मनीषी बता रहे थे किस तरह से आधा रह बोलना और किस तरह से पूरा रह बोलना है, कहाँ पर पुरुष बोलना है और कहाँ पर पुरुष बोलना है, यजुर्वेद और उसमें बड़े विस्तार से इसका उल्लेख किया गया है। तो ये तो एक अंत संबंध की बात हुई है। और उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा जो एक विभेदक और विभाजक तत्व है उनसे सावधान रहने की जरूरत है। पहले भी कुछ लोग तो एक प्रकार से अपने धर्म के प्रति अंधी भक्ति रखते हैं, ना तो हमें अंधी भक्ति वाले व्यक्ति हमारा कल्याण कर सकते हैं, ना ही बहुत प्रतिक्रियावादी समरसतावादी हो जो मध्यम मार्ग को लेकर के जो लोग चलेंगे वस्तुतः उससे हमारा कल्याण होगा। आज जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध अनेक प्रकार की बातें चली जा रही हैं, इसी प्रसंग में एक और बताना चाहता हूं, सनातन धर्म जितना प्राचीन है उतना ही परिपक्व है, जितना परिपक्व है उतना ही आधुनिक है, अर्वाचीन है, ये इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है, सनातनस्तु सनातन है। तो वास्तव में जिस तरह से गंगा की धारा अविरल रूप में प्रवाहित हो रही है, इसी तरह से सनातन धर्म भी अविरल रूप में प्रवाहित हो रहा है और समय समय पर इसमें न जाने कितने प्रकार के संशोधन परिमार्जन होते रहे हैं। महर्षि याज्ञवल्क सबसे पहले इसमें संशोधन करता हुए हैं और उसके बाद मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई है और मैं स्वामी विवेकानंद जी को, दयानंद जी को, हमारे संत साहित्य को, कबीर को, इनको उसी श्रेणी के अंतर्गत लेता हूं। तो सनातन धर्म बड़ा परिपक्व धर्म है और आज सनातन धर्म के विरुद्ध जो लोग खड़े हैं उनको हमें मुख्य धारा में लाने की उसकी आवश्यकता है। हाँ, सनातन धर्म में जो विकृतियां हैं समय अनुसार आई हुई उनका थोड़ा सा परिमार्जन करने की जरूरत है। कुछ युगानुरूप हमें सनातन धर्म के जो मूल सूत्र हैं, जैसे अभी नवरात्र आ रहे हैं, कन्या पूजन की बात है, अवश्य जरूरी नहीं है कि नौ कन्याओं को बुला करके उनको एक एक रुमाल दे दिया जाए, उनको एक एक पेन दे दिया जाए। अच्छा हो हम एक कन्या का और उसका जो आर्थिक खर्च आता है उसकी पढ़ाई का, वो पढ़ाई का खर्च उठाते हैं हम किसी गरीब घर में कोई किसी के यहाँ पर कन्या उत्पन्न हुई है उसके प्रसव का खर्च हम लोग दे सकते हैं। तो नए रूप में हम एक प्रकार से अपनी जो मुख्य बातें हैं ना उन बातों को युगान रूप उनको ढाल सकते हैं। ये हमें प्रयास जो है ना जरूर करना चाहिए। जगराते के बारे में अनेक प्रकार की बातें हैं, भंडारे के बारे में अनेक प्रकार की बातें हैं, इनका अवश्य हमें परिमार्जन करने की जरूरत है और इनको युग के अनुरूप करने की जरूरत है ताकि वेस्टेज ना हो और जो व्यक्ति सही रूप में इनके अधिकारी हैं उन्हीं के पास जाए। विषय बड़ा व्यापक है, बड़ा विराट है, बहुत संक्षेप में करना बड़ा मुश्किल है। मैं आशुतोष जी को बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का बढ़िया सा ये कार्यक्रम आयोजित किया और देश बंधु जी ने मुझे सुबह सुबह, मैंने तो कल से कहते व्हाट्सएप नहीं देखा था और वैसे मैं देख लेता हूँ, तो मैं देश बंधु जी ने मुझे इसके लिए आगाह किया और मैं उनका एक प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी श्रोता बंधुओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद डॉक्टर नंद किशोर जी। और आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, मनुस्मृति में भी ये बात कही है कि एक तो नित्य धर्म है, दूसरे युगानुकूल धर्म होते हैं। तो लगभग द्वितीय अध्याय के अंत में वो ऐसी ही बात कर रहे हैं कि युगानुकूल धर्म जो है वो हमें देखने होते हैं। इसके साथ मैं डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा कि वो संक्षेप में अपनी टिप्पणी, और उसके बाद मुझे लगता है डॉक्टर रेखा पांडे जी, आप मैडम कुछ कहना चाहेंगे इसके बाद? जी हाँ, आप लोग अपना यू कैन रेज योर हैंड, तो मैं उस तदनुकूल आप लोगों को आमंत्रित करता रहूंगा। सबों को समवेत नमस्कार। और अभी मैंने तीन वक्ताओं को सुना, बड़ा ही अप्रतिम आख्यान था और बड़े कुशल ढंग से जेके शर्मा जी ने और अभी जो पूर्ववर्ती वक्ता थे इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपने व्याख्यान को रखा। लेकिन निर्देश हमारा आशुतोष जी को है कि बुद्ध धर्म ये सनातन धर्म है या नहीं, बुद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है या नहीं, ये दो तीन बातों को मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू शब्द का की उत्पत्ति विदेशी आक्रांताओं के द्वारा दी गई थी और वो शब्द हमारे ऊपर इसलिए लागू किया गया था कि वे स्वयं को
हमें से पृथक कर सकता है। और उस काल में सिंधु के इस पार जितने भारतवर्ष का भूभाग था उसमें रहने वाले सभी धर्म और सभी लोगों को, सभी जातियों को, वो एक हिंदू धर्म का एक ब्लैंकेट जो है नाम दे दिया गया। और कालांतर में धीरे धीरे जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय थे, चाहे वो बौद्ध हो या जैन हो, मुख्य रूप से ये, और छोटे छोटे जो आदिवासी आदि संप्रदाय थे, उन लोगों ने अपने मतांतरों को भूलकर अपने आप को इस धर्म के साथ जोड़ लिया, क्योंकि यह आक्रांताओं का दिया हुआ शब्द था और सबों के लिए एक ब्लैंकेट के रूप में उन्होंने प्रयोग किया है, और धीरे धीरे यह शब्द रूढ़ हो गया। ये दूसरी बात है कि कुछ राजनीतिक कारणों से फिर इन्हें अलग अलग करने की चेष्टा चल रही है, और इस दृष्टि से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म हिंदू धर्म के अवयव हैं, एक आनुषंगिक अंग हैं, इनकी आवश्यकता माने इन लोगों का सहचर्य अपेक्षित है और अनिवार्य भी। अब दूसरी बात है यहाँ पर कि क्या बौद्ध धर्म को हम सनातन धर्म कह सकते हैं, क्योंकि अंगेरस जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बुद्ध बराबर कहते रहते हैं एसो धम्मो सनातनो, यह हमारा सनातन धर्म है, और इसे जानने के लिए एक सूत्र है त्रिपिटक में, उसे कहते हैं धम्म चक्क पवत्तनम सूत्र। बुद्ध से प्रश्न किया गया कि क्या ये सारे ज्ञान अचानक आपके पास उत्पन्न हो गए, और इस क्रम में मुझे अपने पूर्ववर्ती वक्ता की वह बात याद आती है जो श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी। तो इसमें दोनों में क्या है, तो बुद्ध ने इसे बड़े अच्छे ढंग से धम्मचक्कपवत्तनम सूत्र में कहा कि मैं किसी नए धर्म की उपस्थापना नहीं कर रहा, मैं किसी नए नियमों को संपादित नहीं कर रहा हूं, मैं किसी नए विचारों को उत्पन्न नहीं कर रहा हूं, हमारा जो सनातन धर्म था, हमारे जो पुराने विचार बिंदु थे जो कालांतर में रूढ़ होते चले गए और उसमें विकृतियां आई हमारा, और उसके कारण जो जैसे नदी में गतिशीलता रहती है तो उसका पानी स्वच्छ रहता है, तो ये धर्म चक्र जो हमारा था वह अवरुद्ध हो, उसने चलना बंद कर दिया था, उसमें सड़ांध आने लगी थी, और मैंने कोई विशेष कार्य नहीं किया है, मैंने उस धर्म चक्र को एक बार पुनः गति प्रदान कर दी है, और इसके अलावा मैंने सारी चीजों को मैंने स्वीकार कर लिया है, और उनमें जो दुर्गंध आने लगी थी, उनमें जो कर्मकांड इत्यादि जुड़ गए थे और जिसके कारण जो हमारे सनातन धर्म में विकृतियां आ रही थी, मैंने केवल उसे प्रहण करने का प्रयास किया है, उसको उस प्रदूषित चीजों को मैंने हटाने का प्रयास किया है, उसे शुद्ध करने का प्रयास किया है, इसीलिए वो बार बार कहते रहे कि एसो धम्मो सनातन। दूसरी बात जो अभी निरंतर रूप से हमें देखना पड़ता है कि महाराष्ट्र में एक संस्था है जो हम माने आर्यों को विदेशी कहते हैं, तो मैं उनको जो बार बार कहता हूँ, एक बार मैं सुना देता हूँ कि बुद्ध आर्यपुत्र कहे जाते थे, उन्हें लोग आर्य कहते थे, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, और उन्होंने जो सत्य की स्थापना की है, चार सत्य, उसका उन्होंने नाम आर्य सत्य दिया है, और इस दृष्टि से यह बुद्ध धर्म हमारे सनातन धर्म से कदापि पृथक नहीं है। यद्यपि हमारे राधा कृष्ण ने तो अति उत्साह में आकर के उन्होंने कहा कि बुद्धा बॉर्न ब्रॉट अप एंड डाइड एज ए हिंदू, उस समय हिंदू धर्म था ही नहीं, इसलिए उन्हें हम हिंदू नहीं कह सकते हैं, उनका जन्म ब्राह्मण धर्म में हुआ, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिष आया और उन्होंने घोषणा की जाति या चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। जब उन्हें शस्त्र का प्रशिक्षण देने की जरूरत हुई तो उनका जो गुरु था उनका नाम था कौंडिन्य और वो भी ब्राह्मण ही थे, तो ब्राह्मण धर्म में तो उनका जो है प्रवचन हुआ ही है। उसके बाद जब संन्यास ग्रहण किया तो संन्यास ग्रहण करने के क्रम में उनके दो गुरु मिले, अलार कलाम और उदक्कराम पुत्र,
और इन दोनों ने जो पढ़ाया थे दोनों ही ब्राह्मण ही थे, ये कोई दूसरे माने धर्म के नहीं थे और श्रमण संस्कृति के ये लोग नहीं थे। और तीसरी बात ये है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका पूरा मृत्यु संस्कार तो ये द्रोण नामक ब्राह्मण ने किया, और इसीलिए हमारे राधा कृष्ण जी ने बड़े उत्साह में कह दिया कि बुद्धा बॉर्न ब्रॉट अप एज एंड डाइड एज ए हिंदू। वस्तुतः वो सनातनी थे, सनातनी के रूप में वो आगे बढ़े, पल्लवित और पुष्पित हुए, ज्ञान प्राप्त किया और उस सनातन धर्म की पुनर्स्थापना उन्होंने की, और उनकी मृत्यु भी उसी सनातन धर्म के अनुकूल ही हुई है और उनके मृत्यु के सारे कर्म उसमें हुए। और सबसे बड़ी बात है कि उनका अभ्युदय उस काल में हुआ, क्योंकि कोई भी दर्शन अपने काल की समस्याओं से अछूता नहीं रहता, वो अपनी कालिक समस्याओं के निवारण के लिए उसकी उत्पत्ति होती है और वो उन्हीं से चीजों को एड्रेस करता है जो उस समय के उस काल के अनुकूल हो। और उस समय जो विकृतियां हमारे समाज में आ गई थी उसके प्रहणार्थ, उसके परिक्षालनार्थ उन्होंने जितनी सारे बातें कही उन्होंने कहा। और हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने एक और अच्छी बात कही कि बुद्ध तो आत्मा को नहीं मानते थे, ये पाया है कि भाई बुद्ध के तीन सिद्धांत हैं, अनात्म सर्वम अनात्मम, सर्वम क्षणिकम और सर्वम दुखम। तो तीनों बातें हमारे सनातन धर्म से ली गई। वो जब कहते हैं सर्वम अनात्मम तो वहां आत्मा का तब को पहले तो प्रहण करना था हमारी गंदगी को हटाने के लिए, अपने जो बातें आ गई थी तो सबसे पहला प्रहार जो है उन्होंने आत्मा पर किया, क्योंकि आत्मा के कारण ही और उसके प्रजनन और उसके आने वाले संततियों के विकास के लिए ये सारी चीजें प्रपंच किए जाते हैं। लोग धन जमा करते हैं तो हमारा बेटा भोग करेगा क्योंकि वो भी मेरी संतान है और मेरे ही आत्मा का प्रवाह उसमें हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने आत्मा को तो प्रहण किया, लेकिन निर्वाण किसको मिलेगा? ये बड़ा मौलिक प्रश्न वहां उठ खड़ा होता है। और इसीलिए बैकडोर से उन्होंने आत्मा को स्वीकार किया और कहा कि ये चेतना का प्रवाह है जो अनेक जन्मों में जाता रहता है। और भारत सनातन धर्म में था कि मोक्ष की स्थिति थी या तो वह ईश्वरमय हो जाए, ब्रह्ममय हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्मवित भवति, या ब्रह्मविद ब्रह्मवत भवति। उन्होंने जब नित्य को स्वीकार नहीं किया तो ऐसी अवस्था में उन्होंने आत्मा को कहा यह ब्लूम आउट हो जाता है, चेतना का प्रवाह जो हमारे कर्मों के अनुसार प्रसार चलता रहता है वह अवरुद्ध हो जाता है और वो ब्लूम आउट हो जाता है। लेकिन बाद में चल करके कई लोगों ने आत्मा को भावात्मक रूप से भी चित्रित करने का प्रयास किया है। नागार्जुन ने कहा है कि आत्मा जो है क्या कहते हैं कि हिमालय की तरह ऊंचा, और ये सारी चीजें आई है। एक बात उन्होंने आत्मा को बैकडोर से ये किया। दूसरा है कि नित्य कहा कि सर्वम क्षणिकम, तो हमारे सनातन धर्म में इसे संसार कहा गया है, संसरति इति संसार, जो गतिमान है वही संसार है। और बुद्ध कहते हैं नो वन कैन पाथ इन द सेम रिवर ट्वाइस, क्योंकि नदी क्या है तो वो जल का प्रवाह है जो निरंतर बहता रहता है, किनारे नदी नहीं होते, और हम एक नदी में कभी भी स्नान नहीं कर सकते क्योंकि जल की वह धार वो आगे बढ़ चुकी होती है जब मेरा पैर जाता है, और इस प्रकार हम एक नदी में स्नान नहीं कर सकते। और यह भी बात हमारे सनातन धर्म से ली गई है। और तीसरी बात है सर्वम दुखम, और दुख निरोध की जो परिकल्पना है वेद काल से ही चलती आ रही है, और इसलिए इस दृष्टि से हम बौद्ध धर्म दर्शन को कभी भी सनातन धर्म से पृथक नहीं मान सकते। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। और इसमें आशुतोष जी एक सेकंड जरा, जो अभी अभी भाई साहब ने बात कही सर्वम दुखम वाली, हमारे वो वैदिक वो योग शास्त्र का परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच सर्वम दुखम एव विवेकिन है, यहाँ से बिल्कुल पूरा प्रभाव है बौद्ध धर्म पर, बिल्कुल सही फरमाया। धन्यवाद। और मैं बल्कि आपकी बात का इस बात से भी समर्थन करता हूँ, सीमा है हमारे पास। जी जी जी, सारे चीजों पर मैं विस्तार से नहीं आज जा तो सकता। हाँ, केवल आज बिल्कुल तो, सही है बिल्कुल। हाँ, आज तो केवल टटोलने वाली बात है कि भी कुछ चर्चा करने के लिए हमारी कौन सी दिशाएं हैं, वो अगले सत्र में चल करके हम लोग करेंगे अगले वेबिनार में। थोड़ा सा एक बार
हमें आयामों का पता लग जाए। डॉक्टर रेखा पांडे जी, मैडम आप अपना परिचय दे सकती हैं, और उसके बाद डॉक्टर रेणु द्विवेदी जी, फिर उसके बाद डॉक्टर आरती अग्रवाल। जी सर, मैं रेखा पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग, नागपुर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। जी मैम। सर सबसे पहले मैं आप सबको, समस्त विद्वत जनों को सादर प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह के संवाद में बहुत रुचि रहती है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बहुत अभी जो पूर्व जितने भी हमारे विद्वान वक्ता थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं, मुझे कुछ खास नहीं कहना है, लेकिन थोड़ा सा मैं इतना कहना चाहती हूँ दो मिनट में जी, कि जो सनातन धर्म की बात की जा रही है हमारे, तो सनातन का मतलब ही है चिरंतन, जो हमेशा सब चला आ रहा है, और सनातन धर्म शास्त्र धर्म है जो कि हमेशा रहा है। और जैसे वक्ताओं ने कहा कि ये जो सनातन धर्म है बहुत ही प्राचीन और परिपक्व है, तो बिल्कुल सही बात है, और बहुत ही वैज्ञानिक भी है। सर यदि हम इस सनातन धर्म को देखें तो ये बहुत वैज्ञानिक है, इसमें क्योंकि मैंने, मुझे भी थोड़ा सा शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर मिला, मेरी बहुत जिज्ञासा रहती है कि मैं अपने मूल शास्त्रों को थोड़ा सा जानूं, तो मैंने ये पाया है कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं उन समस्त शास्त्रों का जो सार है, सार रूप में मैं कह सकती हूँ कि सार रूप में यही निकल कर आता है, जो हमारे हमारा मन है वो निश्चल हो, हमारा जो भी जैसे पंच अभी व्रत की बात की जा रही थी, जिसको समस्त धर्म मानते हैं, तो उन सत्य अहिंसा इत्यादि को, ब्रह्मचर्य परिग्रह आस्ते इत्यादि, दया परोपकार, समस्त शास्त्रों में बातें बताई गई हैं। और हमारे जितने भी धर्म, जैसे बौद्ध धर्म की चर्चा भी हुई, जैन धर्म की चर्चा हो रही थी, या सिख धर्म की हो, यहूदी धर्म हो, पारसी, कोई भी धर्म उठाकर देखें, इन मूल्यों को हम अवश्य देखते हैं समस्त धर्मों में, और ये सनातन मूल्य हैं जो हमेशा से चले आ रहे हैं, हमेशा रहेंगे। और ये हम कह सकते हैं कि जो सनातन धर्म है वो प्राण है। सर एक बात मैं कहती हूँ, जीवन और जगत का प्राण है, आधार है, जैसे कोई दीवार बिना नींव के नहीं चल सकती, ठह नहीं सकती, हो सकती, ठीक उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म के बिना कोई भी सकता है, और ना जगत की सत्ता रह सकती है, ना जीवन की सत्ता रह सकती है। तो ये प्राण है, ये शक्ति है, आधार है हमारा, इसको मानना ही पड़ेगा। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आदरणीय जगदीश कुमार शर्मा जी ने कहा कि धर्म में जो विकृति आती है हमारे धर्म में, वो बहुत सारे कारणों से आ जाती है, उसके सामाजिक कारण भी होते हैं, हम सब लोग जानते हैं, राजनीतिक कारण भी होते हैं, और व्यक्तिगत स्वार्थ भी होता है कभी कभी। तो धर्म की शब्द है उनकी गलत व्याख्या करके प्रचार और प्रसार समाज में कर दिया जाता है। तो आज आवश्यकता ये है, इस बात की आवश्यकता है कि हम पुनः धर्म के जो शब्द हैं या जो वेद के वाक्य हैं, उनको एक जो मर्मज्ञ लोग हैं, जो जानकार लोग हैं वास्तव में, वो सही व्याख्या का प्रचार प्रसार करें और सब तक ये चीज पहुंचे, क्योंकि हमारे वेद, हमारे शास्त्र बहुत संपन्न हैं, और उनमें हमें समस्त जीवन और जगत की समस्याओं का हल मिलता है। जैसा मैंने जो कुछ अध्ययन करके थोड़ा सा पाया, अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार मैं कह सकती हूँ, तो इसलिए शब्दों को सही समझना, शब्दों का गलत अर्थ ले लेना, तो उसमें फिर धर्म विकृति होगा। इससे धर्म को हमें परिमार्जित करते रहना चाहिए निरंतर, ये दायित्व हम सबका है। और मैं समझती हूँ सर कि इस तरह की चर्चा, इस तरह के संवाद से अवश्य ही कुछ हल निकलेगा, और सनातन धर्म निश्चित रूप से अपनी पताका फहराता रहेगा। इसी विचार के साथ मैं बहुत समय नहीं लेती हूँ, आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। डॉक्टर रेणु द्विवेदी जी, नमस्कार आप सभी विद्वत गुरुओं को, नमस्कार। और मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तुलनात्मक घट दर्शन विभाग में श्री सद्गुरु राम सिंह जी महाराज ठीक है उसी पर निदेशक के रूप में कार्य कर रही हूँ।
और सनातन धर्म से मेरा काम हुआ है और मैं सनातन धर्म पे लगातार कुछ न कुछ कार्य करती रहती हूँ। आपने सर जो शुरू में प्रश्न उपस्थित किए थे चार कि हम हिंदू धर्म की परिधि में किसे रखा जा सकता है या सनातन धर्म की परिधि में या सनातनी के अंदर जो एस्थेटिक्स हैं जो अन्य संप्रदायों को मानने वाले हैं उनको हम किस प्रकार रख सकते हैं। तो यहाँ इस विषय में मेरा एक विनम्र निवेदन ये है कि सनातन धर्म की परिधि जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने स्पष्ट भी किया है विशाल है। उसकी परिधि में जो समस्त मानव आ जाता है ऐसा कोई भी विचार ऐसा कोई भी दर्शन जिसमें उसकी परिधि में समाहित हो जाते हैं या अगर देखा जाए तो एशिया में उत्पन्न होने वाले धर्म या भारत में जैसे बौद्ध धर्म जैन इन सबको हम सनातन सिख धर्म ये सभी जो है अपनी प्रेरणा या अपना स्रोत सनातन धर्म की परंपराओं से ही ग्रहण करते रहे और इनमें जाकर हम उपनिषदों का दर्शन देखें तो उपनिषदों के चिंतन इतने विशाल है कि उसके आगे मानवीय ज्ञान की एक तरह से परिसमाप्ति जाती है। मनुष्य उसके आगे चिंतन कर जो भी चिंतन हुआ कहीं ना कहीं वो उपनिषदों से प्रभावित माना जा सकता है। तो ये सनातन धर्म की परिधि अत्यंत विशाल है। इस परिधि में समस्त ज्ञान राशि सिमट कर आ जाती है। किंतु जहाँ तक ईश उपासना का प्रश्न आता है या जहाँ तक हमारे कर्मकांडों का प्रश्न आता है निश्चित रूप से सनातन धर्म हमें एक निश्चित जीवन पद्धति जीने का एक आधार देता है जिसमें हम जो ऋण है जो आपने बाद में सात कैलकुलेशन किए हैं उसमें हम ऋण की अवधारणा और पुरुषार्थ की अवधारणा और जो कर्म एवं आत्मा इनके जो चीजों को लेकर के चलते हैं यही इसके तीन व्यावर्तक होने तीन लक्षण हो सकते हैं कि हर सनातनी को या हर हिंदू को ये कर्म और आत्मा कर्म और पुनर्जन्म जो तीन हमारे पूर्व मान्यता है इन्हें अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी। बिना इनको स्वीकार किए हम न तो उसे हिंदू के पर्दे में रख सकते हैं और न ही सनातनी के पर्दे में रख सकते हैं। तो हमारी एक व्यावर्तक गुण है हिंदू होना या सनातनी होना जिसमें हम आत्मा की अमरता को स्वीकार करें कर्म और उसके परिणाम को स्वीकार करें कर्म बंधन और आत्मा ये एक ये हमें एक व्यावर्तक गुण या एक ऐसा लक्षण दिखाई देता है जो हमें विश्व के अन्य धर्मों से या कम्युनिटी धर्मों से पृथक अपनी पहचान देता है। तो इसलिए इस विषय में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि वो जो लक्षण की बात आती है वो सनातनी कौन है या हिंदू हिंदू और सनातनी निश्चित रूप से एक ही है किंतु फिर भी हम जैसे एस्थेटिक है कबीरपंथी है रामदासी है या अन्य है क्या वो सनातनी बिल्कुल सनातन की परिधि अत्यंत विशाल है। यहाँ तक कि उसके लक्षण में तो बहुत और जैन परंपराएं भी आ जाती है लेकिन संप्रदाय का जो विभेद है उस विभेद के आधार पर वो न तो ऐसा नहीं कहा जाता कि वो हिंदू न हो या सनातन न हो। तो आज अत्यंत आपने जो विचार तेजक प्रश्न रखे हैं वो हमें पुनः सोचने को भी व्यस्त करते हैं और मेरे पास इस तरह की बातों को कहने का है बहुत सारे पॉइंट्स है लेकिन अभी क्योंकि आपके प्रश्न भी देखो इस पर बिल्कुल चिंतन करेंगे और आपको इसका इस पर हम जरूर कुछ लेख लिख करके आपको भेजेंगे। जी जरूर जरूर मैम स्वागत है ये प्रश्न धन्यवाद क्योंकि ये प्रश्न उठते जो हैं वो सेकुलरिस्ट डिबेट से और कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है जो हमारे संविधान की जो स्थिति है वहां से उठ करके आते हैं प्रश्न और उनको जवाब देना हम लोगों को बहुत आवश्यक है केवल इतना पर्याप्त नहीं है इसलिए ये प्रश्न है कि इसको हम ठोस बनाए सनातन धर्म का झंडा ही नहीं सनातन धर्म की तलवार भी चाहिए आपके प्रश्न बहुत विचार तेजक और हमें चिंतन करने को प्रेरित करते हैं और हम जरूर विषय में कुछ ठोस आपको देंगे। धन्यवाद मैम। हाँ जी मैम डॉक्टर आरती जी सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर क्षमा चाहूंगी कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती और सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। आप ही की विचार जो रश्मियां हैं उन्हीं से कुछ बिंदु आपके समक्ष रखूंगी और इसमें मैं एक संस्कृत की ही उक्ति लेकर चल रही हूं
कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम। ये कहा गया है कि जो धर्म का तत्व है वो बहुत ही गुह्य है, बड़ा ही गहरा है। तो इसे जितना भी समझें, ये दर्शन के रूप में इसे हम अपने आंतरिक गहराइयों में इसे पा सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत साधारण से शब्दों में, मैं सरल शब्दों में कहना चाहूंगी कि धर्म धारण करना, अगर मैं अपने रूप में लूं और जितनी आज तक समझ मेरी बढ़ी है, तो उसके आधार पर मैं धर्म को इसी रूप में समझती हूँ कि धारण करना, मन से, वचन से, कर्म से, जो भी हम मनुष्य रूप में धारण करते हैं, जो गुण और अपने स्वभाव के अनुरूप धारण करते हैं, वही हमारा धर्म कहलाता है। और जैसे कि कहा गया है कि धर्म के 30 लक्षण होते हैं, ये कहा इसलिए गया है क्योंकि जो मनुष्य है वही इस संसार में एक ऐसा प्राणी है जो इन सभी अवधारणाओं को समझने में सक्षम है, वही इस धर्म की अवधारणा को बनाने में जो है एक एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि धर्म तो सभी का होता है एक स्वभाव के अनुसार, लेकिन धर्म को इतने विशाल रूप में समझना और समझाना केवल मनुष्य का ही एक स्वभाव है, मनुष्य ही इसको कर सकता है। और इसीलिए जो मनुष्य है उसे हम इस प्राणी जगत में सबसे विशिष्ट मानते हैं, कहते हैं कि जो मानवोचित गुण है जब हम उन्हें धारण करते हैं तभी हम मनुष्य बनते हैं, अन्यथा हम में और जो पशु है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए और जैसा कि सनातन है, सनातन का तो बिल्कुल सीधा सा अर्थ है नित्य ही, निरंतर ही, निरंतरता में। तो जो मानव है वो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार जो भी इस सृष्टि में करके जाता है या जो भी धारण करते हुए इस सृष्टि में जिस प्रकार का जीवन वो व्यतीत करता है, उसमें जिन गुणों से उसकी पहचान होती है वही उसका एक समझ लीजिए कि धार्मिक पहचान भी उसकी बन जाती है। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि जैसे हम हिंदवासी हैं, मैं कहती हूँ ये हिमालय, हिमेंदु, ये सब कुछ हम यहाँ पर रहने वाले हैं, इस परिधि में रहने वाले लोग हैं, तो हमारी एक पहचान है हिंद होना। लेकिन जो सनातन धर्म है वो हमारा स्वभाव है, हम सभी इस परिधि में रहते हुए या इस देश की सीमा में रहते हुए जिन मानवोचित गुणों को एक रूप में धारण करते हुए चलते हैं निरंतर ही, वही सनातन धर्म बन जाता है। और ये सनातन धर्म किस जितने भी हैं, मान लीजिए हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, मुसलमान धर्म है, इसे धर्म इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसके अनुसार वो समुदाय के लोग अपने उन गुणों को धारण करते हैं। उस गुण है, अवगुण है, अवगुण भी एक हम कहें तो धर्म ही है। किस रूप में मैं एक बिल्कुल एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगी। धर्म, अधर्म और कुधर्म, मैं इन तीन बिंदुओं को रेखांकित करना चाहूंगी। जैसे कि मान लीजिए अधर्म और कुधर्म क्या है, जहां पर धर्म की अनुपस्थिति है, यानी कि वो धर्म नहीं है, जो दूसरे की दृष्टि में तो धर्म है और मेरी दृष्टि में वो अधर्म है, वहां पर धर्म की अनुपस्थिति होती है, एब्सेंस होती है, वहां पर वो धर्म नहीं होता है। जैसे कि हम बहुत सीधा सा उदाहरण ले सकते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी का। जैसे कि एक मनुष्य है वो मानता है कि मैं जो अपरिहार्य स्थिति के अलावा, मतलब अनिवार्य स्थिति है तो ही मैं मांस का सेवन करूंगा, या फिर वो ये मानता है कि मैं मर जाना श्रेयस्कर समझूंगा, मैं मांस का सेवन करूंगा ही नहीं, तो वो उसका धर्म है, वो उसका गुण बन चुका है। फिर दूसरी ओर है एक मांसाहारी जो जिह्वा के स्वाद के लिए भी कई बार खाता है और अनिवार्य अपरिहार्य परिस्थितियों के लिए भी मतलब उसको उसका सेवन करता है। फिर क्या है कि ये कुधर्म में कैसे परिवर्तित होता है, ये कुधर्म में जैसे कि सभी का जीने का अधिकार है और प्रत्येक सृष्टि का, इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में अपने जीवन को धारण करता है इस सृष्टि रचयिता की ओर से, हम सब धारण करते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति या एक
पशु भी मान लीजिए, कोई भी, जब किसी को उसके धर्म में, उसके जीने के अधिकार या धर्म में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे हम कुधर्म कहते हैं। यानी कि धर्म, अधर्म और कुधर्म। अधर्म केवल धर्म की अनुपस्थिति होता है, कुधर्म जहां पर हम धर्म की को बाधित करते हैं। तो एक और सिर्फ संस्कृत की ही पंक्तियों से मैं इसको समाप्त करना चाहूंगी अपनी बात को, कि धर्मो यो बाधते धर्म न स धर्मो, कुधर्म तत् अविरोधी तु यो धर्मः स धर्मो मुनिस्ततम। आप सभी ज्ञानी हैं और इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं तो केवल इतना कहूंगी कि ये बहुत पहले घोषणा हो चुकी है कि धर्म दूसरे धर्म को बाधित करता है, वह धर्म कहलाता ही नहीं है, वह केवल कुधर्म होता है। और जहां पर एक धर्म से, जहां पर भी कहीं कुछ भी हमारे मन में ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जहां हम किसी के ऊपर मतलब किसी के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं, वहीं पर अधर्म जो है पैदा होना शुरू हो जाता है। तो मैं एक ही बात और एक बात और कहना चाहूंगी कि प्रत्येक मनुष्य को अपने गुण और स्वभाव के अनुसार, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य मतलब जिसमें मन को ऊंचा उठाने की क्षमता है, मानव जिसमें मन रूपी अवयव अर्थात जो सत्चित आनंद है मन को समझ सकता है, यदि वही अपने धर्म को नहीं समझेगा तो एक बिच्छू का काटना भी उसका धर्म होता है, लेकिन बिच्छू के डंक से स्वयं को बचाना और उस पर कोई भी मतलब उसे बाधा ना पहुंचाना भी मनुष्य का धर्म होता है और इसे केवल मानव ही समझ सकता है। धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर जयप्रकाश जी। और उसके बाद डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी। डॉक्टर जयप्रकाश जी चलिए तब तक डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, क्योंकि सर आप में दोबारा सा चल रहा है तो हमें अभी कई लोगों की बात सुननी है। जी इसलिए सर मैं जो कहना चाहता हूँ वो कह ही नहीं पाऊंगा। तो ये कही ना बात है, ऐसा नहीं है। नहीं बहुत विषय आपने इतना जी विशिष्ट ले लिया है, इसके ऊपर तो 5 साल वेबिनार तो कम से कम कराने पड़ेंगे आपको। एक तो सिर्फ सूचना है, पहले तो जो नंद जोड़ जी ने जब बात की थी ना, तो उसके लिए आशुतोष जी आपके लिए खास करके है, एक बुक है वैदिक हेरिटेज फॉर ग्लोबल हार्मनी एंड पीस इन मॉडर्न कॉन्टेस्ट। ये एडिटेड वर्क है सुरेंद्र एन द्विवेदी और बलराम सिंह का। ये आप जरूर मंगवाइए अपनी लाइब्रेरी में। इसमें हमारे दादे धर्म की जो आधुनिक उसमें ना जी बहुत अच्छे लेख हैं। अब मैं आ रहा हूँ अपनी बात पर थोड़ा सा सर। वास्तव में यदि आप देखें सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, ये तो मानव धर्म है। और मेरा कोई ज्यादा इसमें ज्ञान नहीं है, मेरे को इतना मालूम है केवल कि सनातन शब्द भगवद गीता में अर्जुन ने कृष्ण जी के लिए कहा है और वाल्मीकि रामायण में क्या कहने राम के लिए कहा है, और उन दोनों के साथ प्रीफेस है अविनाशी। तो सनातन तो क्या है, जब ये पहले अभी मैडम ने कहा बिल्कुल सही कह रही थी वो, कि जो सदा था सदा है सदा रहेगा। वास्तव में सनातन धर्म तो एक जीवन शैली का नाम है, और इसीलिए जो विभिन्न जिन्हें हम धर्म कह रहे हैं वो पंथ हैं, चाहे वो सिख धर्म है चाहे वो जैन है या बौद्ध है, इसी प्रकार से चाहे वो इस्लाम है चाहे वो सभी को आप कहते, ये एक तरह से आप कहते हैं रिलीजन हो सकते हैं, रिलीजन का अर्थ दूसरा होता है। अभी जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत सुंदर बात कही कि धर्म को तो धारण करने योग्य है। तो इस दृष्टिकोण से देखें, जहां तक बात है जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं, संक्षेप में मैं कह रहा हूं सर आज के संदर्भ में उसकी बड़ी उपयोगिता, वो हिंदू धर्म से भी चाहे जोड़ लीजिए, जिसमें ज्ञान है, लोक संग्रह है, वैश्वीकरण है, अहिंसा है और साथ में है धर्म युद्ध। ये मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि अब जब बात होती है जैसे जैन धर्म है उसमें प्रधानता अहिंसा पर है, बौद्ध धर्म है तो उसमें प्रधानता दया पर कंपैशन पर है, और सिख धर्म में लोक संग्रह तथा धर्म युद्ध पर है।
तो इसीलिए ये अलग नहीं है। और मैं विवाद में नहीं आना चाहता, यदि आप केवल एक बार पढ़ लें भी, जैसे आपने कहा ना संविधान में तीन को हिंदू धर्म का हिस्सा माना गया है, उसके लिए जब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने एक लेख भी लिखा था कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि वाई ही हैज नॉट एम्ब्रेस इस्लाम, कि उसने इस्लाम को क्यों नहीं लिया। एक बार उसको हम पढ़ें, क्योंकि जो जो इनमें समन्वय है, जो इनमें बातें हैं, वो सारी आपको मिल जाएंगी। समय के अभाव के कारण मैं विस्तार में नहीं जा पाऊंगा। तो ये तो है संवैधानिक स्थिति हमारी, और इसलिए इन तीनों को लिया गया है। और ये सभी वक्ताओं ने सही कहा कि हिंदू जो है शब्द उसको लेकर अनेक है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है उसमें सोचने के लिए। हिंदू शब्द आने के कारण जो पाश्चात्य देशों में उन्होंने करा क्या है कि सनातन धर्म में या समय में जो समाज में कुछ कुरीतियां आई उसको हिंदू धर्म की विशेषताएं बताकर बदनाम किया गया। और इनका उत्तर यदि लेना हो तो कुछ नहीं सर, स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए या उनका शिकागो वाला वक्तव्य ही, जहां वो एक बात बड़ी स्पष्ट करें जो सनातन धर्म का मूल है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी इज टू सर्व द टू ऑब्जर्व द धर्म। तो सनातन धर्म जो है इट इज ए वे ऑफ लाइफ। हालांकि चूंकि प्रचलित भाषा में हिंदू धर्म कह देते हैं तो कोर्ट ने भी कह दिया कि हिंदू धर्म इज ए वे ऑफ लाइफ, इनफैक्ट सनातन धर्म जो है क्योंकि वो हमारा मानवीय गुणों का है, और इसलिए मैं बात को यहाँ रोक रहा हूँ अपनी बात को। लेकिन एक बात मैं चाहूंगा, यदि समय मिले आशुतोष जी, तो धर्म संस्कृति और सभ्यता इन तीनों के अंतर संबंधों को जाने बिना हम इस विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इस विषय को भी लें, तो बहुत आभार होगा आपका। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त जी और उसके बाद डॉक्टर देशबंधु जी, उन्होंने अपना हाथ उठाया था, और उसके बाद डॉक्टर पूनम घई जी। सर अपने को अनम्यूट करें डॉक्टर जयप्रकाश जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। सभी को प्रणाम। और डॉक्टर आशुतोष से निवेदन कि वो जो क्वेश्चंस थे उसको जरा सनातन धर्म और हिंदुइज्म में एक ही है। हाँ जी, मैं केवल इन्हीं पर अपने जो भी छोटी सी बात है वो कहना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ इस विषय में। वैसे तो और वक्ताओं ने भी कहा है कि सनातन जो सदा था और सदा रहने वाला है वही सनातन है। तो भारत में जो व्यष्टि इष्टि समष्टि के साथ प्रकृति का जो संबंध है उसको जिस प्रकार से व्याख्यायित किया गया और उसकी विभिन्न व्याख्याएं विभिन्न ऋषियों महर्षियों ने धर्मशास्त्रों में भी की हैं अन्यथा भी, वही सनातन धर्म है। और उसको ही हम, चूंकि उसकी उत्पत्ति कब हुई ये हम नहीं कह सकते हैं, और इसलिए वो अनादिकाल से है और अनंत है, इस कारण से वह सनातन है। उसकी उत्पत्ति वेद से है ऐसा बहुत लोग मान सकते होंगे, किंतु मुझे लगता है जब हम सनातन कह देते हैं तो इस मायने में तो ठीक है कि वेद की उत्पत्ति क्योंकि ब्रह्मा से है, इस कारण से जब सृष्टि के आदिकाल से ही जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए वही उन्हीं को धर्म मानेंगे तो उसकी उत्पत्ति वेद से हो सकती है। तो एक तो बात ये स्पष्ट हुई कि सनातन धर्म जो है वो क्या है। दूसरा, आपने इसमें प्रश्न किया है कि एथीस्ट जो है, अच्छा चूंकि यहाँ के लोग, अब वो शब्द किसने दिया किसने नहीं दिया इसके बारे में एक अलग चर्चा हो सकती है। हिंदू शब्द कहाँ से आया, क्या सिंधु से आया, क्या ये फारसी से आया, क्या ये अरबी से आया, विदेशियों ने दिया, हमारा अपना शब्द है, वो एक अलग बात है। किंतु जिस किसी भी कारण 2-3 हजार वर्ष पूर्व या 1 हजार वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को
हिंदू कह करके माना गया और यहाँ के लोगों ने भी अपने आप को हिंदू कहलाना स्वीकार कर लिया। क्योंकि शायद मैं एक विद्वान लेखक को पढ़ रहा था, जब बाहर से लोग यहाँ आने लगे, जब आक्रमणकारी यहाँ आने लगे और उन्होंने कहा कि जो आप हो वो हम नहीं हैं, हम आपसे अलग हैं, हम ये हैं और हमारा नाम ये है, तो यहाँ एक उससे उससे पृथक दिखाने के लिए एक शब्द की आवश्यकता अनुभव हुई होगी। तो जिस किसी भी कारण वो है हिंदू शब्द हमारे साथ समाहित हो गया, तो जो सनातन धर्म है वही हिंदू धर्म है, दूसरी मान्यता मेरी ये है। तीसरी बात आपने एथीस्ट की पूछी है, मुझे पता नहीं है कि एथीस्ट ये आप नास्तिक के विषय में पूछ रहे हैं जी, या नास्तिक हाँ नास्तिक के विषय में पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम तो नास्तिकों को स्वीकार करते हैं और हिंदू धर्म कोई ऐसा अड़िग नहीं है, कोई केवल एक विश्वास के ऊपर, फेथ के ऊपर टिका हुआ नहीं है, यह तो एक आचरण के पर टिका हुआ चूंकि एक जीवन पद्धति है, इसलिए एथीस्ट को यदि हम नास्तिक माने तो नास्तिक भी हिंदू हैं। आदिवासी शब्द भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारा शब्द नहीं होगा, विदेशियों ने आकर के ट्राइबल्स के लिए ट्राइबल्स कहा और ट्राइबल्स के लिए हो सकता है हमारे पूर्वजों ने यह एक नाम गढ़ दिया हो, क्योंकि आदिवासी शब्द मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी संस्कृत वाङ्मय में आदिवासी जैसा कोई शब्द आया हो। उसके बाद व्हाट कंस्टिट्यूट सनातन धर्म, इसके बारे में बहुत विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हाँ, आर्य के विषय में बाकी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। आर्य के विषय में मेरी दृढ़ मान्यता है कि ये हमारी सारी जो बौद्धिक संपदा है और जो हमारा तार्किक विश्लेषण था और जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, उस सब का मूल विदेश में दिखाने के लिए ये आर्यन इन्वेजन या आर्यों का आक्रमण, इस प्रकार से हमको जो ब्रिटिशर्स ने पढ़ाया, यह सिद्धांत पूरी तरह से मिथ्या है और इसको जब हम पूरी तरह से धूल धूसरित कर देंगे, क्योंकि आर्य शब्द हमारा है, आर्य शब्द संस्कृत का है, इसलिए आर्य शब्द की व्याख्या भी संस्कृत में ही देखनी पड़ेगी। आर्यन मान करके यदि हम उस चश्मे से आर्य शब्द को देखेंगे तो हम निश्चित रूप से भ्रम में रहेंगे। और अब कब ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक हो गए, तो ये तो मैंने बता ही दिया। शेष मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि धर्म शब्द मुझे लगता है केवल हिंदुओं के लिए ही उपयोग हो सकता है, केवल सनातन के लिए ही उपयोग हो सकता है, केवल वैदिक जो इसकी उत्पत्ति है, उद्भव से जो धर्म उत्पन्न हुआ है उसी के लिए यह प्रयोग हो सकता है। अन्यों के लिए हमारे पास अन्य शब्द हैं, संप्रदाय है, पंथ है, जहाँ तक सिख मत की बात है अथवा खालसा पंथ की बात है, उसको धर्म कहना ठीक नहीं होगा। और विदेश से जो आए, जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, उनको तो मुझे लगता है इस्लाम को धर्म मानना बिल्कुल गलत होगा, क्रिश्चियनिटी को धर्म मानना बिल्कुल गलत होगा। इस प्रकार से जो शब्द हमारे मनों में ठूंस दिए गए हैं, क्रिश्चियनिटी की ईसाइयत के लिए भी ईसाई धर्म और इस्लाम के लिए भी इस्लाम धर्म, ये हमारी मति को किसी प्रकार भ्रमित करते हैं और इनसे मुझे लगता है बचना होगा धर्म के स्पष्ट अर्थ को समझते हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर देशबंधु जी सर, और उसके बाद डॉक्टर पूनम गही जी। डॉक्टर आशुतोष जी, सभी गांव को सादर प्रणाम। सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब से
आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। हेलो जी जी, अब आ रही है? हाँ जी अब ठीक है। सभी को सादर प्रणाम, सभी का हृदय से आभार, विशेष करके डॉक्टर आशुतोष जी का, जिन्होंने एक बहुत विस्तृत विषय देकर सभी को बोलने का प्रयास किया है। इस विषय पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इसके बारे में बहुत कुछ कह दिया। वैसे भी मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं और इस विषय को सीखता रहता हूं, आप लोगों से कुछ ना कुछ ग्रहण करता रहता हूं, आज भी बहुत कुछ प्राप्त किया। केवल मात्र इतना कहना चाहूंगा कि जितने विद्वानों को सुना, आशु जी सभी की अभी कहने की क्षमता और उनके जो विचार थे वो खत्म नहीं हुए जी। मेरा आपसे अनुरोध कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं, जो कुछ लिखना चाहते हैं, आप लिख के डॉक्टर आशुतोष जी को भेजिएगा, दो पन्ने, तीन चार पांच। हमारी स्नातन धर्म शिक्षा समिति की ओर से वर्ष में दो बार स्नातन संवर्धनी का प्रकाशन होता है, हम चाहेंगे कि आप सभी के लेख हम उसमें प्रकाशित करें ताकि उसके बाद इस पे और विस्तृत चर्चा हो सके। और उसके साथ ही मैं आपको एक और आमंत्रण देता हूं कि ये वेबिनार, जैसे कि रविंदर जी ने कहा कि भैया चार पांच छह वेबिनार करने पड़ेंगे, आप एक ऑफलाइन सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार में 3 दिन का, 4 दिन का सेमिनार करें, डिस्कशन करें, आपके रहने की खाने की सब व्यवस्था की जाएगी, पुण्य स्थान है, सात्विक भोजन देंगे, निर्मम स्थान देंगे। ये विषय ऐसा है जो वाक्य में आज की युग में, विशेष करके अगर हमने अपने युवा शक्ति को अपने साथ जोड़ना है तो इस विषय को हमें बड़े बड़े सरल शब्दों में जो है प्रस्तुत करना होगा। श्री सनातन धर्म प्रतिसभा पंजाब, जिसका कार्यक्षेत्र उत्तर भारत के 7 प्रदेशों में, 2 यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है, हमारा उद्देश्य मात्र सनातन मूल्यों का प्रचार और प्रसार है। और सबसे अधिक चिंता जो मैं डॉक्टर आशुतोष के साथ अक्सर शेयर करता रहता हूं कि हम अपने युवाओं को अपने साथ कैसे जोड़ें, क्योंकि हमारे धर्म की डेफिनेशंस में, हमारे धर्म की इंटर रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा भ्रांतियां हैं कि हमारे युवा, विशेष करके वो युवा जो विदेशों में जा चुके हैं लेकिन अच्छे परिवारों से गए हुए युवा, आज भी अपने धर्म को, अपनी मान्यताओं को साथ लेके गए हैं लेकिन वो किसी ना किसी तरह से भ्रमित हो रहे हैं। उनकी बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत से प्रश्न हैं और मैं सोचता हूं कि उनको हम सिंप्लीफाइड रूप में कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे, वो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मेरा ये सादर आमंत्रण आपके लिए, और उसके साथ में जो कुछ भी आप लिख के भेजना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। डॉक्टर आशुतोष जी को भेज दीजिए या मुझे भेज दीजिए, मेरे भी केयर ऑफ सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला के नाम से आप भेज सकते हैं, तो हम उसको एक बुकलेट के फॉर्म में अलग से भी जो है वो प्रिंट करा के आपके समक्ष पेश कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी वक्ता बोल रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि समय अवधि बहुत कम दी गई है। डॉक्टर पिछले 20-25 सालों से जुड़ा हूँ, इनके हर विषय ऐसे होते हैं कि वक्ता जो है वो अक्सर जब भी उठ के जाते हैं, शायद सुबह से 9 बजे से बैठे हुए 5 बजे भी जाएं, उन्हें ये लगता है कि उनके मन की बात अभी पूरी कही नहीं गई या उनको समय नहीं मिला, तो अपनी लेखनी से आप उसे लिख कर दीजिए, जितना भी लिखेंगे हम उसे जरूर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद आशुतोष जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत आपने एक सुखकारी बात कही है कि अगर आप इस सारी प्रोसीडिंग्स को और इन सभी व्यक्तियों के वक्तव्यों को छाप देंगे तो बहुत ही अच्छा है, एक सॉलिड डॉक्यूमेंट बनेगा। इस वक्त जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो तो यही है कि किसी न किसी रूप में हम सनातन धर्म को एग्रेसिव भी बनाए, सिर्फ डिफेंस पे ही ना रहें, क्योंकि जिस तरह के आक्षेप आ रहे हैं और जिस तरह के व्यवहार चल रहा है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन अभी उधर नहीं जाते हुए, डॉक्टर पूनम गई थी,
बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय जो है वो बहुत आगे जा रहा है, तो बहुत संक्षेप में अपनी सटीक बात हमारे साथ रखते हैं। जी, समस्त विद्वत परिषद का प्रणाम। आवाज आ रही है? जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्पष्ट है। प्रणाम मिला, और मैं बहुत अधिक नहीं कुछ कहना चाहूंगी, मैं सिर्फ आपने मुझे उलझा दिया है तो मैं प्रश्न ही पूछना चाहूंगी। और मेरा प्रश्न सर एक संशय के आधार पर है और एक अनुभव के आधार पर है। बात सनातन की आ रही है, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कि श्री कृष्ण को और राम को भी सनातन कहा गया, सनातन से हम अगर उसको शाश्वत लेकर के आ रहे हैं और जीवन मूल्यों से जोड़ रहे हैं या उसको एक मानव धर्म से जोड़ रहे हैं, तो सर मेरे दो प्रश्न सामने आते हैं अभी इसी दौरान कि एक बात तो ये आती है कि शाश्वत या सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो एक बात आती है कि अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये भी हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई बात है, वैदिक वाङ्मय में है। तो सर एक अतिथि मेरे घर में आता है, मुझसे वो भोजन पानी इत्यादि शेल्टर मांगता है, मैं उनको अपने घर में चरण देती हूँ और व्यक्ति मेरा गला काट करके और मेरा सामान लेकर के भाग जाता है, एक बात ये हुई। दूसरी बात जो मैंने सर धर्म के अनुभव के आधार पर कही थी, ये मेरा लगभग 10 वर्ष पुराना अनुभव है। मैं बनारस दशाश्वमेध घाट पर गंगा जी की आरती देख रही थी, वहां का ट्रेंड है हरिद्वार की तरह नहीं है, वहां पे गंगा जी में उतर करके और बोट पे बैठ करके आरती दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि आरती घाट पे होती है और हम बोट पे होते हैं। इतने में तूफानी बारिश आई, मैं और मेरी मित्र थी, मेरी कलीग थी साइंस की, हम दोनों सर भागते हैं और दशाश्वमेध घाट पे ऊपर आकर के एक शेल्टर होम सा बना हुआ था, मतलब वहां पे एक गाय थी और एक नागा बाबा थे, नागा बाबा डंडा लेकर के सबको मार रहे थे, भगा रहे थे, मेरे समझ में बात नहीं आई। हम दोनों उसमें घुसने लगे कि हमें थोड़ा बारिश से राहत मिल जाए, तो उन्होंने डंडा लेके हमें भगाना शुरू कर दिया, बोले किसी को नहीं घुसने दूंगा। तो नागा धर्म भी हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। मेरे दिमाग में ये, मैंने आपके सामने दो ही बातें रखी, मेरे दिमाग में ऐसे हजारों प्रश्न आते हैं कि हम क्या इस्टेब्लिश करें, क्या अगर हम अतिथि देवो भव की बात को इस्टेब्लिश करते हैं तो अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो सर हम उसको क्या कह सकते हैं। और इसी के साथ मैं देशबंधु सर का बहुत मतलब चरण वंदन करती हूँ उनका, कि उन्होंने जो बात आगे बढ़ाई है कि क्योंकि सर रूपांतरण हमें करना है, इस्टेब्लिशमेंट चीजों का हमें करना है, परिस्थितियों के अनुसार से क्या बदलाव आने चाहिए। और आपकी जो बात आई है कि एग्रेशन आना चाहिए, उस एग्रेशन की मैं बहुत बड़ी कायल हूँ, निश्चित रूप से एग्रेशन होना चाहिए। जैसे मृत्यु भोज के ऊपर सनातन धर्म जब बात करता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों में वो स्ट्रांगली बात कहता है, तो फिर सनातन धर्म ही कह रहा है तो सर किसको इस्टेब्लिश करेंगे, बस मेरी यही जिज्ञासा है, कृपया मुझे इसका उत्तर दीजिए। धन्यवाद मैम। डॉक्टर देशबंधु जी, कृपया आप अपना एड्रेस जो है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि जिन लोगों की क्वेरी आ रही है जाग रही है सर अभी बाद में, अभी एक हाँ डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी को भी बात का जवाब देना चाह रहा था मैं। सर अभी बाद में सर अभी बाद में ले लेते हैं मैडम की बात का जवाब। डॉक्टर मनमोहन जी, सर अपने को अनम्यूट करें मनमोहन शर्मा जी, और उसके बाद और कोई अपनी बात रखना चाहता है तो बहुत संक्षेप में, एक एक मिनट में, और फिर हम कंक्लूड करने की ओर चलेंगे। मनमोहन जी आपके, सर अनम्यूट कीजिए अपने को। मनमोहन शर्मा जी आपकी आवाज अनम्यूट करें अपने को, आपने अनम्यूट नहीं किया। सर नीचे माइक का निशान है, उस पर क्लिक करें। उतनी देर में अगर कोई और अपनी बात रखना चाहता है। हेलो, हाँ राजेंद्र जी, हाँ मैं बोलू सर, दो मिनट चार मिनट लेता हूँ। ये संगोष्ठी सफल रही और इसमें बहुत से मुद्दे आपके सामने आए, और
जो यहाँ एक तो मैं बात कहूंगा कि धर्म का स्वरूप है, गीता में यज्ञ तप और दान बताया गया कि तीन हमारे मूल धर्म थे, वो कहते हैं कि ये चाहे सन्यासी हो उसको भी करने पड़ेंगे, तो यज्ञ जो है हमारे यहाँ बड़ी चीज रही। दूसरी जो चीज थी आर्या, ये जो प्रश्न था कि भी हिंदू धर्म और उसके बारे में मैंने सबकी बात सुनी, तो ये हम ऐसा नहीं माने हिमेंदु था, ये हिमेंदु कहना एकदम गलत है इसमें, है ना। और इसे क्यों कहा गया तो मनुष्य की व्याख्या करते हैं कि मनुस्मृति में व्याख्या की गई भाई धर्म है क्या, तो कहते हैं श्रुति स्मृति सदाचार और आत्मा का प्रिय, ये चार लक्षण है। सदाचार क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये धर्म है जो परंपरा से आ रहा हो। सदाचार कहाँ का, तो उन्होंने बता दिया कि कहाँ का, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये दो नदियां सरस्वती सरस्वती, ये दो नदियों के बीच में जो रहता है और वही सदाचार कहलाता है, उस देश को ब्रह्मावर देश कहते हैं। फिर उन्होंने बाद में कहा कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रम से मत्स्या से पांचाला सुसेन का ऐसे ब्रह्मर्षि देश हो गए, ब्रह्मावर्त के बाद में ब्रह्मर्षि देश है, इन दोनों देशों के लोगों ने कहा। तो उनको हम कह रहे हैं कि वो उन्होंने पूरे भारत को शिक्षा दी, स्वसम शरण पृथ्वी आश्रमान। इसके बाद में जो अगली बात वो कहते हैं कि आर्यावर्त क्या है, तो कहते हैं हिमालय से लेकर के प्रयाग तक, और इधर कुरुक्षेत्र से लेकर प्रयाग तक और हिमालय से विंध्याचल, इस देश को उन्होंने मध्य देश कहा। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि आसमुद्रा तो वे पूर्वात आसमुद्रा तो पश्चिमात तयोरेवांतरम गिरियो आर्यावर्तम विधुर्बुदा। कि आर्यावर्त क्या है, तो आर्यावर्त की व्याख्या करते हैं कि समुद्र से लेके पूर्व समुद्र से लेके पश्चिम समुद्र और दोनों पर्वत इनके बीच में जो है वो आर्यावर्त कहलाता है। आर्या अत्र आवर्तनते इति आर्यावर्त है। तो आर्यावर्त की जो व्याख्या थी कि आर्यावर्त देश था, और हम नाम जैसे नहीं बने, हम सिंधु से बने, सात सिंधु के बाद ऋग्वेद में कहे सात सिंधु हैं, सात नदियां हैं, और ये कहा गंगे यमुने से गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेश, तो सात नदियां प्रधान मानते रहे। टोटल नदी भारत में 21 नदियां हैं, सात मतलब पंजाब में है सात नदियां, और सात नदियां मध्य में और सात नदी पश्चिम दक्षिण में, तो 21 नदियों का क्षेत्र था, उससे हम सिंधुस्तान कहते थे। ये इसका नाम इसलिए इसका सिंधुस्तान था, सिंधु को उन्होंने हिंदू समझा, जैसे सप्ताह का हफ्ता, तो ये पारसी नाम इसलिए पड़ गया, तो ये हिंदू होगी। दूसरी जो बात थी कि सनातन जो है, सनातन का भी मैंने पूर्व पहले कहा था कि धर्मो नित्यम, महाभारत में जो उन्होंने भारत संस्कृति में कहा कि जीवो नित्यम अस्य हेतु रंचम, कि जो आत्मा उसको सनातन कहते हैं, जैसे गीता में साफ कहते हैं ममेवांसो जीव लोके जीव होता सनातन है, कि प्रत्येक प्राणी सनातन है, ऐसे उन्होंने कहा कि ईश्वर जो वो भी सनातन है। उन्होंने इसमें कहा कि भी जो सनातन क्या है, तो खुद कहते हैं कि सनातन जो है वो अपने आप को भी कहते हैं कि मैं जो आत्मा, वो कहते हैं देखिए तुमक्षरम परमम वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम तुमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तम पुरुषो मुतो में, और पहले अध्याय में वो कहते हैं कि कुल धर्मा से सनातना। तो सनातन का अर्थ जो है कि हमेशा जो रहे वो जीव और आत्मा। अब शुद्धि किसकी करनी है, तो शरीर की शुद्धि करनी होती है, कि हमारा जो शरीर है उसी में बीज का दोष है, गर्भ का दोष है, तो मनुष्य मृत्यु में कहते हैं कि हमारे जो दोष है उन दोषों को शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे। पहली बात हमें यज्ञ यज्ञ से महायज्ञ से ब्राह्मी यम तेरे तनु, ये जो शरीर है इस शरीर में माता के घर से दोष आया, पिता के बीज का दोष आया, इसलिए हम संस्कार करते हैं। तो संस्कारों के द्वारा ये धर्म की जो व्याख्या है वो कहते हैं कि ये जो व्याख्या है इसमें यज्ञ पहली चीज है, दूसरी चीज है अध्ययन, और तीसरी चीज दान। ये तीन ही धर्म के मूल लक्षण है। गीता बार बार कहती है कि ये जो सन्यासी उसको भी करने हैं, तीन अधर्म के लक्षण है। तो उन्होंने गीता में कहा कि तीन नरक के द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ है, वो कहते हैं काम क्रोध और लोभ, ये तीन जो मूल वृत्तियां हैं ये व्यक्ति को भ्रष्ट करती हैं। और ये जो हिंदू की व्याख्या थी, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जैसे ऐसे एक छपनों की व्याख्या करेंगे एक अक्षरों की, तो गलत है। पहले ऐसा भारत में हुआ, निरुक्त में 64 लोगों के नाम है जो ऐसे अर्थ निकालते थे, बाद में पतंजलि ने खंडन किया, बात गया ठीक है, बात ठीक है, ये ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये वो कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो एक एक शब्द का अक्षर का अर्थ मानेंगे, इनके तीन अर्थ निकलेंगे, तो इसलिए पतंजलि कहते हैं कि वर्णों का अर्थ नहीं होता, हमेशा शब्द का ही अर्थ होता है। तो शब्द का जो अर्थ है वो निश्चित है, और इसको धर्मशास्त्र से व्याख्या करा है उसकी व्याख्या को हम माने, न कि अपनी ओर से भी व्याख्या दें। धन्यवाद। राइट, ठीक है, धन्यवाद सर। डॉक्टर मनमोहन जी, क्योंकि समय जो है वो मैं केवल सभी को नमस्कार, मैं केवल तीन ही लाइन बोलूंगा। एक तो मुझे ये जिज्ञासा हुई थी कि इंदु सागर जो शब्द है कहाँ आया, इसके बारे में पता चले, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। दूसरा ये था कि भगवान बुद्ध की हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म स्थापना की, तो वेद का खंडन करके उन्होंने कौन से सनातन धर्म की स्थापना की। और तीसरा मेरा ये था कि मैं इतिहास का टीचर हूँ, शिक्षक हूँ,
वहाँ हिंदुइज्म की स्थान पर सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अतिरिक्त सारे इतिहासकारों ने एक और नया लफड़ा खड़ा कर दिया है, वो सभी देखते हैं ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म खड़ा सब लेते हैं, जैसे किताबें हैं ब्राह्मणिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया, ब्राह्मणिज्म इन गुप्ता पीरियड, ब्राह्मणिज्म इन फला फला पीरियड। तो ये एक नया शब्द जो है और फंसा करके एक और नया संशय जो है खड़ा कर दिया गया है, ये मेरा कहना था। ये रुचि वाला विषय है, इस पे हम जरूर, ये जो अंतिम प्रश्न है इस पे अगले वेबिनार में लेंगे, जब हिस्ट्री ऑफ ब्राह्मण्स और उनके सैक्रिफाइसेस की बात करेंगे तो ब्राह्मण्स और ब्राह्मणिकल कल्चर पे बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे हम चलना चाहते हैं ताकि जल्दी से। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। कर्नल केसी मिश्रा बीएसएम जी, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? विल यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू समथिंग? कर्नल मिश्रा जी, चलिए अभी नहीं। और मैडम राजेंद्रा, सर आ रहा हूँ शर्मा जी आपकी तरफ ही सर अभी आ रहा हूँ, और अविनाश जी की ओर से भी, क्योंकि कुछ आक्षेप आए हैं तो निश्चित रूप से वो उत्तर देंगे। किसी और का कोई प्रश्न है तो फिर ये हम आखिरी टिप्पणियां लेंगे और उसके बाद फिर मैं जनरल शोरी जी से, मैडम भारती भी हैं बीच में, मैडम भारती आप प्लीज अपनी बात रखें और उसके बाद फिर हम ये रिस्पॉन्सेस लेंगे दोनों विद्वानों के, शर्मा जी के और जी के। सबको नमस्कार जी। जो सारी चर्चाएं चल रही थी वो काफी महत्वपूर्ण है, तो ये बात सही है कि जो भारतीय क्षेत्र का जितना अध्यात्म है वो सब सनातन है, क्योंकि वो पुराने समय से अब तक बचा हुआ है, और बाकी जगहों पे जो सभ्यताएं थी उनके भी कुछ ना कुछ अध्यात्म रहे होंगे जो कि खत्म हो चुके हैं, तो सनातन तो सिर्फ हमारी भूमि पर ही बचा है, ये बात सही है। और इस अध्यात्म को लेकर के जो भी चले वो सब सनातन है, चाहे वो सिख है चाहे बौद्धों ने जो भी लिया, वो कोई ऐसी विपरीत बात नहीं कर पाए। मेरा एक थोड़ा सा ये एक क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, कभी इन दिनों एक वो मैसेज आ रहा है कि हार्वर्ड वालों ने हमारे सारे ग्रंथों को डिजिटलाइज कर दिया है कि आप तो फोन पे खोलो और कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हो। तो अब हम, मैं इस क्षेत्र की नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो संस्कृत के विद्वान हैं वो एक बार वो उनको चेक करना चाहिए, ये डिजिटलाइजेशन दूसरे विदेश में की गई है कि कहीं उसमें हमारे शास्त्रों में कुछ परिवर्तन तो नहीं कर दिए, कुछ गलत सलत तो नहीं लिख दिया है, जो कि आगे जा, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि किताबें क्या पढ़नी है, आजकल तो डिजिटल का जमाना है, तो उनको ज़रूर हमें चेक करना चाहिए कि नहीं उन स्रोतों को भी वो सही है या नहीं है, या उनमें कुछ गड़बड़ कर दी गई है, क्योंकि सब लोग उन डिजिटल वालों को पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। धन्यवाद, बस इतना ही कहना था उनको। ये अच्छा सुझाव है और इसको जरूर देखूंगा किसी न किसी वक्त जी। मुझे लगता है पहले शर्मा जी की बात को हम ले लें बहुत संक्षेप में, और फिर श्रीवास्तव जी की, और फिर और किसी की कोई बात नहीं है तो मैं जनरल शोरी जी को निवेदन करूंगा कि सारी बात को कंक्लूड भी करें जी। शर्मा जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर। नहीं सर अभी अनम्यूट। हाँ जी जी जी, आप सुन सकते हैं मेरे को? जी जी, मैंने सब विद्वानों की बात जो है बड़ी गंभीरता से सुनी और उस पे चिंतन भी किया थोड़ा सा, और ये पाया कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं, ऐसी स्थिति में हैं जब हम किसी चीज को गलत चीज को आधार बना करके जब हम चल पड़ते हैं तो हमारे लिए वो हजारों रास्ते खुल जाते हैं। जैसे सत्य अगर हो आपके पास तो उसका एक ही मतलब कि वो सरलतम होगा, सहजतम होगा, वो एक ही होगा। मगर अगर आप झूठ पे आ जाएंगे तो झूठ के तो फिर अनेकों पहलू बन जाते हैं। तो वही हमारे समाज के साथ, हमारे विषयों के साथ होता आ रहा है, और क्योंकि हमें मूल ज्ञान नहीं है इसलिए
मैं ये पा रहा हूं कि और ना ही उसको परखने का ज्ञान है हमें। जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर हम कहते हैं कि ये सत्य है तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए, ये क्षमता होनी चाहिए कि हम ये जान सकें कि ये सच में सत्य है कि नहीं है। तो इन सब के लिए हमें उस ज्ञान का अगर हमारे पास अभाव है और हम उसको मान्यता मान करके चलते जा रहे हैं और हम उसके ऊपर उसको आधार बना करके आगे चलेंगे तो ये रहस्यमय बनता जाएगा, मायावी बनता जाएगा और हम जो हैं वो अपने अपने तरह से भटकते रहेंगे। और जैसे एक वो कहते हैं ना कि नाउ वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर वी आर इन ए सिचुएशन वेयर ए ब्लाइंड मैन जिसने अपनी आंख पे पट्टी बांध ली है और रात का समय है और वो एक अंधेरे कमरे में है और अंधेरे कमरे में वो एक काली बिल्ली को ढूंढ रहा है जो वहां पे है ही नहीं। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी एक भयंकर सिचुएशन है जिससे हम गुजर रहे हैं और हम परस्पर जो है कभी एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाएंगे। और इसका जो आधार है, जो मूल आधार है, वो है भाषा। हम भाषा के शब्दों को अगर सही से जानेंगे तो वो हमारे लिए प्रकाश का काम करेगा। जब प्रकाश होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस कमरे में क्या क्या है और क्या नहीं है और हमें परस्पर लड़ने की और परस्पर मतलब शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अगर हमें वो ज्ञान, सही ज्ञान हमें मिल जाए तो एक छोटा बच्चा भी अगर गीता को पढ़ेगा तो उसको गीता में जो लिखा है वो बिल्कुल वैसा ही समझ आ जाएगा, उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि भाषा के बारे में लिखा गया है कि हर शब्द जो है उसके कुछ अंग हैं। एक है उसकी रचना, एक है उसका उच्चारण, एक है उस उच्चारण का प्रभाव और एक है उसका अर्थ। ये जो मूल चीजें हैं। और शब्दों की जो रचना है वो वर्णों पे आधारित है और हर वर्ण का भी यही हाल है, उसका भी उच्चारण है, उसकी भी रचना है, उसका भी। तो अगर हम वो देखेंगे तो हम पाएंगे कि हर शब्द का एक एकल और यूनिक जिसे कहते हैं वो अर्थ है जी। और वही अर्थ जो है वो सही है, हमें वो सही अर्थ तक पहुंचना है। जब हम उस सही अर्थ तक पहुंच जाएंगे फिर वेद हो या कोई शास्त्र हो या कोई विचार हो वो ना केवल हम अपना सही बता पाएंगे और हम समझ भी सही तभी पाएंगे। और उसमें फिर आपस में कोई भी जो परस्पर विवाद होंगे वो तुरंत समाप्त हो जाएंगे, सारे रहस्य समाप्त हो जाएंगे क्योंकि हर शब्द का एक मूल निहित वो ऋषि मुनियों ने ऐसे बनाया है और जो साइंटिफिक है, पूरा वैज्ञानिक है कि उस शब्द का अर्थ उस शब्द के भीतर ही निहित है जी। मुझे और जब हम उसको समझाने के लिए उसकी परिभाषा बना सकते हैं जी, उसकी परिभाषा को अगर कोई और व्याख्या करना चाहे तो उसकी व्याख्या कर सकता है या अब उसका भावार्थ निकाल सकता है जैसे वो समझता है। पर ये सब व्याख्या, अर्थ, भावार्थ, व्याख्यान, ये शब्द के मूल अर्थ से अलग नहीं हो सकते। अगर हम उसको कोई मूल अर्थ दे दें के से परे जाएंगे तो हम उस अर्थ को भ्रष्ट कर देंगे और वही हमारे लिए आगे नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा। और वो करता होता आ रहा है, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, पर समय में देखता हूं मैंने ये पाता हूं कि ये जो चीजें हैं ये हमारे समाज में सदियों से चलती आ रही है और हमारे में परस्पर बहुत बहसें हो रही हैं। अब जैसे सर मुझे क्षमा करें लेकिन इस विषय को हम थोड़ा अलग से ले लेंगे और मुझे लगता है इस पे पूरा एक लेक्चर चाहिए क्योंकि जो कुछ आप बता रहे हैं उसको बड़े व्यापक रूप से समझने की आवश्यकता है क्योंकि समय ने शुरू में कहा कि एक बड़ा व्यापक जी विषय है जी। सर इसको मैं ले लूंगा लेकिन अविनाश जी की बात अंतिम हम ले लेते हैं और फिर जो है वो जनरल शौरी जी को मैं आमंत्रित करूंगा। सर डॉक्टर अविनाश जी धन्यवाद। सर वस्तुतः दो बातें मैं यहाँ पर रखना चाह रहा था जी।
धर्म के अर्थ के विवेचन के क्रम में जो धारयते इति धर्म की विवेचना हुई तो सामान्यतः उसे धारण करने की बात हुई। मेरा अपना अभिमत है कि वे सूत्र वे नियम नियामक सिद्धांत जो किसी शरीर को समाज को और देश को अधिकतम दूरी तक ले जाता हो धारित कराता हो वह भी धर्म है, क्योंकि धर्म केवल स्वयं धारण करने के लिए नहीं है, धर्म का कार्य है कि आपकी दीर्घ जीविता को बनाए रखे और जो आपके शरीर की दीर्घ वह धर्म है जो समाज को की स्थिति को सुदृढ़ एक लंबे कालखंड तक रखता हो वह भी धर्म है, और जो देश को अक्षुण्ण बनाए रखता हो सदियों तक वह भी धर्म है, क्योंकि जब हम धर्म भ्रष्ट होते हैं तो बहुत सारी चीजों में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए धर्म का यह जो तात्पर्य है वह केवल धारण करना नहीं, वह नियम वे सिद्धांत वे नीति नियामक तत्व जो हमारे शरीर समाज और राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाता हो अधिक दिनों तक धारित करता हो वह भी धर्म। एक बात। दूसरी बात जो अभी लोगों ने कहा कि आर्य बाहर से आए हैं, ये परिकल्पना मूलतः तीन लोगों की, एक तो उन अंग्रेजों की है जो बाहर से आकर के यहाँ बैठे और अपने यहाँ पर अर्थवत्ता सिद्ध करने के लिए कि ये भी तो बाहर से आए हैं, मैं भी बाहर से आया हूँ, अतः हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि इन लोगों का अधिकार है, जबकि हम लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं, कोई आर्य बाहर से नहीं आया है, ये सप्त सिंधु से आए हैं या प्रमाणित हो चुका है जी। और इस क्रम में इसका प्रयोग मुसलमान इतिहासकार भी करते हैं, क्योंकि मुगलों ने बहुत दिनों तक हमें शासित रखा, हम विजित हो गए, विजेता बनकर आए, तो वो अपनी यहाँ रहने की अर्थवत्ता को स्थापित करने के लिए वे भी जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, और कम्युनिस्ट लोग भी विदेशी आक्रांताओं को के स्थिति को यहाँ स्पष्ट करने के लिए कि भाई सब जो विदेशी हैं तो मेरा यहाँ रहना इललेजिटिमेट कैसे है, ये सारी चीजें हुई है, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ही घातक तत्व है। और धर्म की बात ये है, अंत में यह कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो जो अधिक दिनों तक हम धारित कर सकते हैं, जो हमें हमारे शरीर और सिद्धांत को जो अधिक दिनों तक धारित हो तो धर्म है ही, और इसकी अनेक चर्चाएं हुई है और बड़े अच्छे ढंग से हमारे शायद नाम में विस्मरण हो गया है, उन्होंने कहा था धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां स्मृतेर भिन्ना नेको मुनि कस्य वचनं प्रमाण, क्योंकि इसकी अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता सुपन्था, जब गहन अंधकार हो और हमें धर्म का तत्व मान प्रदर्शित नहीं हो रहा हो, तो अभी जगदीश शर्मा जी ने कहा कि ऐसे अवस्था में हमें ज्ञान की आवश्यकता है, उस लाइट की आवश्यकता है जो हमें इनलाइटन कर सके, तो जब वो कुछ भी ना हो तो वो ज्ञानी पुरुष जिन्होंने धर्म को लगातार धारण करके रखा हुआ है उनके आचरण को ही हम जी। उनके पथ पर अनुसरण करना ही हमारा धर्म। धन्यवाद सर। डॉक्टर रविंदर जी, एक मिनट में अगर आप अपने जो टिप्पणी कह रहे थे करना चाहेंगे, और डॉक्टर विवेक शर्मा जी सुझाव दे रहे हैं। डॉक्टर विवेक शर्मा, मुझे लग डॉक्टर रविंदर जी या विवेक जी 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 डॉक्टर, एम आई ऑडिबल सर? यस 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 यू आर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई इस बहुत जिज्ञासा पूर्वक सेमिनार के आयोजन के लिए। मेरा एक छोटा सा सुझाव यही है जी कि हम लोग अपने लेवल के ऊपर ये एक बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं, बट इसका थोड़ा सा हमें एक छात्रों के और यूथ के संदर्भ में भी कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए ताकि वे इस सारे सनातन धर्म से संबंधित इतिहास के बारे में अच्छी तरह जागरूक हो सकें। मेरा इतना सा ही सुझाव आपको है। धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर देशबंधु जी से जरूर निवेदन करूंगा और निश्चित रूप से वो इस दायित्व को स्वीकार करेंगे कि हम युवाओं को किस तरह से इसमें
लेकर के आए, उनसे भी एक चर्चा जरूर रखेंगे। डॉक्टर रविंद्र जी, एक मिनट के अंदर अंदर अपनी टिप्पणी। धन्यवाद डॉक्टर विवेक जी। जो डॉक्टर पूनम घरी जी ने कहा था, केवल इतना कहना है मेरा जी सर कि आतिथ्य में अनेक बार जैसे रावण आ गया था ना, तो अर्थ ये नहीं है कि आतिथ्य देव भाव को भूल जाए। और दूसरा जो नागा बाबा की बात की उन्होंने, वो वेश नहीं होता है मैडम, क्योंकि उसने तो सनातन धर्म का जो मूल बिंदु है आसक्ति को नहीं छोड़ा, तो इसलिए ये अपवास रूप होती है घटनाएं, इनका धर्म से लेना देना नहीं होता। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि धर्म की विकृति है? धन्यवाद। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सॉरी मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी को कि वो अपनी बात हमारे साथ रखें, और उसके बाद मैं डॉक्टर देशबंधु जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें हमारे बिहाब पे, क्योंकि वो कॉलेज के उप प्रधान भी हैं और सनातन धर्म से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, तो उनसे मेरा क्या मैं बीच में एक सवाल कर सकती हूँ? जी मैम, बीच में एक सवाल कर सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी सर। नमस्कार मेरा सभी को। सर ठीक है, हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम मेरे ख्याल में एकेडमिशियंस भी हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा रहे हैं, आज टीचर के धर्म की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर का रोल बहुत बड़ा रोल है। अगर टीचर अपना रोल सही निभा रहा है तो हम अपने युवाओं को काबू कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। धन्यवाद। धन्यवाद जनरल साहब। आवाज आ रही मेरी? जी 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 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी सेमिनार करने का। कुछ बिल्कुल जो है, मैं तो खरी खरी बात ही कहा करता हूँ और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मामला सुलझा नहीं है बल्कि और ज्यादा उलझ गया है, और उलझना ही था क्योंकि ये टॉपिक इतना वाइड है, इसकी इतनी डायमेंशंस हैं कि हम उसके आके आपने जो इसमें जो इतने प्रश्न भी आपने जो मेंशन किए थे और आपने स्लाइड भी दिखाई थी, तो उसमें हर कोई जो है अपनी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने अपने व्यूज को जो है शेयर कर रहा था, तो मामला जो है सुलझा नहीं है, उलझ गया। और जैसा किसी ने कहा था कि इसके लिए और बहुत सारे वेबिनार्स करने की जरूरत पड़ेगी। शुरू में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो बात कही थी धर्म और आचरण की, मुझे ये लगता है कि हम कई सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से तो है ही है, और आजकल तो उससे भी ज्यादा हो गया कि हम डिस्टॉर्शन में रह रहे हैं। जब हम कंडक्ट की बात करते हैं ना, धर्म और कंडक्ट की बात करते हैं, इंग्लिश में एक शब्द भी आता है राइटसनेस, जस्टिस, न्याय की बात होती है, हम डिस्टॉर्शन में जी रहे हैं, डिस्टॉर्शन में हम रहते हैं। तीन फौजी भाई हैं इस वक्त मेरे साथ जो है, विंग कमांडर साहब है एयरफोर्स के और कर्नल केसी मिश्रा है। फौजी भाइयों का धर्म क्या है? अपनी ड्यूटी को सही तरह से पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ निभाना। तो ये फौजियों का क्यों, ये तो सभी का है, ये तो सभी के लिए होना चाहिए कि जो आपका फर्ज है, जो आपको टास्क दिया गया है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसको आपने सच्चे मन से ईमानदारी से निभाना है। ये क्या धर्म नहीं है? यही फौजी का धर्म है, यही सभी का धर्म होना चाहिए। तो हो क्या गया है कि धर्म तो पता है जो किताबों में लिखा है, सुनाया भी जाता है, बताया भी जाता है, और उसकी शिक्षा भी दी जाती है और एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, लेकिन जो किया जाता है वो कांड है। उन कांडों में उलझ कर जो है हम कहां से कहां की तरफ को चले गए हैं, और उससे जो है सारी सोसाइटी में रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर और पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन आ गई जी, जबरदस्त डिस्टॉर्शन आ गई है। और उसमें जो है आम आदमी ही शामिल नहीं है, हम सभी शामिल हैं। हम जो है कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपनी नो हाउ, नॉलेज को शेयर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन में हम उन आम आदमियों के बराबर ही आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली जो है डिस्टॉर्शन में जीते हैं जी। हम अपने धर्म की तरफ को चलते नहीं है, जो आपका फर्ज है जिंदगी के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने जो है समाज में रिश्तेदारों के प्रति, उसको तो फॉलो नहीं करते, तो ये हम डिस्टॉर्शन में, छलावे में ही जीते हैं। और इसीलिए जो है हम फिर आपस डिस्कशन करते हैं कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, जबकि हम सबको पता है कि मेरा धर्म क्या है,
उसको आप कंडक्ट के साथ लीजिए, बिहेवियर के साथ लीजिए, आचरण के साथ लीजिए, ना कि धार्मिक कर्मकांड के साथ लीजिए। पहला पॉइंट तो मैं ये शेयर करना चाहता था जो इस डिस्कशन से मेरे मन में आया है, जिसका सिरा मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात से उठाया। उन्होंने इस बात को बड़े मेंशन किया और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया। इसी चीज को नंद किशोर जी ने जो है फाइव कॉन्स्टिट्यूट्स के बारे में भी बताया, और इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। क्या देशबंधु जी ने जो मेंशन किया है, मैं उनके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। देशबंधु जी, पिछले कई सालों से मैं, आपने देखा कि डॉक्टर आशुतोष कितने वेबिनार कर रहे हैं, और उन वेबिनार में जो है स्टूडेंट्स भी होते हैं, ज्यादातर जो है 30-40 लोग जो इंटेलेक्चुअल्स है वो होते हैं और स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो है, सभी का मिक्सचर होता है। मैं और आशुतोष जी पिछले कुछ सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा ना कि ये हो गया, वो मुसलमानों ने ये कर दिया, उसकी परिभाषा चेंज कर दी, ये कर दी, वो तो ठीक है, एक 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 रिसर्च की चीज है, वो एक अलग है कि उसको सही चीज को उठाकर बाहर निकालना, जो मेरे बस का नहीं है। लेकिन उसमें जो हम समझ पा रहे हैं, उस समझ, उसमें जो छुपा हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान को भी उठाकर हम समाज के सामने नहीं रख पा रहे, उसको भी हमने जो है अपने ही तक सीमित करके रखा है। एंड आई प्लीज फॉरगिव मी इफ आई से दैट द वी हैव बीन मोर बिजी इन द ड्राइंग रूम डिस्कशंस इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग दैट द मेन फिलॉसफी एंड द नो हाउ टू पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप नई जनरेशन के पास जाएंगे जो गूगल से भी है, जो हाईटेक है, जो बहुत सारी चीजों में हमसे कट चुकी है, हमको उसी के तरीके से उसको अपना ज्ञान जो है वो शेयर करना चाहिए। नई जनरेशन जो है मैनेजमेंट की बात करेगी, मैनेजमेंट की थ्योरीज की बात करेगी, ठीक है। मैंने और आशुतोष जी ने मिलकर मैनेजमेंट स्किल्स बेस्ड अपॉन पंचतंत्रा बनाई, और हमने काफी कॉलेजेस में जाकर ये ऐसे सेमिनार किए, ताकि इसी बहाने हमारे उस महान ग्रंथ जो हिंदू धर्म का, जिसका से निकला हुआ वो जो ग्रंथ है, उसकी जो है महानता जो है वो आगे जनरेशन में फैले। ये मेरा फर्ज है कि मैं उस चीज को आगे सामने रखूं। तो मैं चाहूंगा देशबंधु जी कि इस तरह से हमने कई और चीजों के ऊपर भी रिसर्च की है और उसको मॉडर्न के साथ मिलाकर लोगों के सामने पेश की है, कि इसके लिए आपको हार्वर्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर लास्की के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए विष्णु शर्मा के पास आइए, इसके पास वाल्मीकि रामायणा के पास आइए, इसके लिए जो है डॉक्टर भीष्म पितामह के पास जाइए, जो प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस जो है उपदेश दे रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे शासन होना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि ये आपका आशुतोष जी टॉपिक, इसको फ्रेगमेंटेशन करने की जरूरत है, कई सब हिस्सों में बांट कर इसको दोबारा से जो है वेबिनार्स करने की जरूरत है, नंबर वन। नंबर टू, साथ ही साथ हम अपनी इस सारी डिस्कशंस को थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है इंप्लीमेंट करने की तरफ भी चलें, जैसा कि देशबंधु जी ने कहा कि सप्तऋषि में जो है इनका आश्रम है, चलिए मैं और आशुतोष जी आते हैं, वहां पर बुलाइए लोगों को, इकट्ठा कीजिए, हम कुछ एक टॉपिक्स पर उनको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बनाकर जो है एक्सप्लेन करेंगे कि ये देखो भैया, इसके लिए आपको किसी जो है गूगल के पास जाने की जरूरत नहीं, ये आपके ग्रंथों में छिपी हुई है। अब वो ग्रंथों में जो छिपी हुई ज्ञान है, उसकी मुझे नॉलेज कितनी है, उसके लिए मुझे क्या क्या और पढ़ना पड़ेगा, ये तो मैं सारी जिंदगी करता रहूं तब भी खत्म नहीं होगा, मैं खत्म हो जाऊंगा पर वो नहीं खत्म होगा। इसलिए जो जितना हम समझ पाए हैं उसी को आगे शेयर करते चले, यही हमारा धर्म है। मैं इस चीज को मानता हूं, आप इसको कह दिए कि मैं हिंदू हूं, आप कह दीजिए मैं हिंदू हूं, कि ये मेरा धर्म है, मैं अपने फर्ज को अच्छी तरह से पूरा करना, ये मेरा धर्म है। आप कहेंगे कि ये तो सिख धर्म भी कहता है, मुसलमान भी कहता है, ठीक है कहते होंगे, भाई मैं जो है ये धार्मिक कांडों की बजाय इसकी फिलॉसफी और ज्ञान को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं और दूसरों में शेयर करने की कोशिश करता हूं। मेरे हिसाब से यही जो है हमारा हिंदू धर्म है जो हमें सिखाता आया है। और टॉपिक आपका इतना इतना मेरे हिसाब से तो मेरी समझ से बाहर भी है, बहुत सारी चीजें मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, आप लोग सभी बहुत आपने जो है ग्रंथ पढ़े हुए हैं, मैं कुछ उसके ऊपर कहने के लिए अपने आप को काबिल नहीं समझता। धन्यवाद। धन्यवाद जनरल साहब, बहुत सटीक आपने बातें रखी हैं, और ये एग्रेशन चाहिए, हर हिंदू में ये एग्रेशन चाहिए। लेकिन उन सभी अभी बातों में ना जाते हुए, निश्चित रूप से अगला कुछ एक विषय मैं ऐसा भी रखना चाहता हूँ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदू धर्म या सनातन धर्म, इन दोनों के संबंधों पे हम जरूर चर्चा रखें कि उसमें फंडामेंटल राइट और जो ये जो
थर्ड पार्ट क्या है, दिमाग से मेरे ध्यान से निकल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और सनातन धर्म, इनके ऊपर कुछ चर्चाएं रखते हैं, क्योंकि उसमें जो आर्टिकल 21 और 25 इसको लेकर के भी बहुत सारे विवाद हैं, तो उनके ऊपर भी हम चर्चा रखेंगे निश्चित रूप से। डॉक्टर देशबंधु जी को इस सब बातों में इन्वॉल्व भी करेंगे और उनका सहयोग भी लेंगे, जो सनातन धर्म शिक्षा बोर्ड है उसको भी इन्वॉल्व करते हैं और धीरे धीरे इसको हम कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इसी के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ एसटी कॉलेज अंबाला कैंट की ओर से, डीएमएन कॉलेज की ओर से, एमपीएन कॉलेज मुलाना, डीएवी कॉलेज ननियाला और एचडीए पीआर ट्रेनिंग सेंटर की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए और अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आदरणीय डॉक्टर देशबंधु जी जो उप प्रधान है सनातन धर्म सभा के और हमारे कॉलेज के भी वो उप प्रधान है। सर धन्यवाद डॉक्टर, आप सर आवाज कट रही है सर, जितने भी महाविद्यालय हमारे साथ जुड़े उनकी ओर से, अपनी ओर से, डॉक्टर आशुतोष जी की ओर से, मैं आज के सभी मुख्य वक्ताओं का, विशेष करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, विंग कमांडर जेके शर्मा जी का, अविनाश जी का और उसके साथ में जनरल शोरी डॉक्टर नंदकिशोर जी, इन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जनरल शोरी जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि इसको और फ्रेगमेंटेड करके इस विषय को जितना हम तोड़ सकते हैं, जितना सरल बना सकते हैं, ताकि एक एक पक्ष के ऊपर हम इस पर चर्चा कर सकें, वो हमें करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जनरल शोरी, आज का ये जो वेबिनार था इस मामले में भी बहुत सफल रहा कि इसमें हमारे फौजी भाई भी थे, हमारा अध्यापक वृंद भी था और मुझे आज खुशी हुई कि सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा और सनातन धर्म शिक्षा समिति से जुड़े हुए बहुत से लोग हिमाचल से, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे कार्यवाहक प्रधान श्री आई एम गोस्वामी जी, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी डी आर मदान जी और अनेकों अनेक नाम, मैं नाम नहीं लूँगा अब। लेकिन एक बात जनरल शोरी जी, कि आपके प्रयासों पे हमने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, विशेष करके आपके और आशुतोष जी के, आप प्रयास सराहनीय है। मेरा मकसद सिर्फ इतना कहना था, क्योंकि आपकी तरह मैं भी डॉक्टर आशुतोष से लगभग लगभग अब 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, जब से सनातन धर्म कॉलेज में ये परंपरा शुरू हुई सेमिनार्स की, कॉन्फ्रेंसिस की। ही वॉज द फर्स्ट मैन एंड ही इज द फर्स्ट मैन जिसने इतने लोगों को मोटिवेट किया होगा। लेकिन हमारे विषय कई बार बहुत गंभीर और बिल्कुल एकेडेमिक्स होते हैं, एकेडेमिक्स टू द लेवल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। मेरा केवल इतना कहना था कि भैया इसको किसी तरीके से सरल बना के रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने बच्चों तक, अपने युवाओं तक, अपने विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, केवल मात्र इतना ही कहना है। वो इस तरीके से मेरा कहना है, मुझे इतना याद है कि हमने बचपन में जो चित्रमाला में रामायण, महाभारत, गीता ऐसी पुस्तकें पढ़ी होंगी, वो आज भी हमारी जहन में थी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हम बच्चों को सीधा वेद पे, पुराण पे, ऐसी किताबों के साथ लिंक करके अगर हम बताते हैं, तो वो वाक्य में ही हमसे अभी बहुत आसानी से नहीं जुड़ पाते। हम तो देखिए, हम में से बहुत से लोग सनातन धर्म महाविद्यालयों में, विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, पढ़े हुए हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि भैया हमारा प्रयास उतना सफल नहीं हो पाया जितना कि हमें करना चाहिए। अगर मेरी बात में कहीं पे ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और एक बार पुनः उन सभी का जो अपने पास किसी वजह से, समय के अभाव की वजह से कह नहीं पाए, उनसे भी क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम लगभग लगभग 45 मिनट अपने निश्चित समय से ऊपर जा चुके हैं। लेकिन मैं, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, आप लिख के हमें भेजें, हम आपकी बात को जरूर प्रकाशित करेंगे। और आशुतोष जी, हम जी तो आपके सेवानिवृत्त होने का केवल जो है वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद इस सारे कार्य को हमने एक नई दिशा देके और सनातन धर्म के प्रयासों को आपके माध्यम से जो है
हमने आगे ले जाना है और शौरी साहब इनको तो हमने साथ में जोड़े ही रखा है। आज हमारे साथ था विंग कमांडर जेके शर्मा जी जुड़े और कई लोग दूर दूर से लखीमपुर की खीरी से डॉक्टर रेणु थे। तो हम सभी को अपने साथ लेके युवाओं के लिए अपना ये प्रयास जारी रखेंगे। सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और समय आगे जाने के लिए क्षमा प्रार्थना। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। इस सभा को विसर्जित करने से पूर्व यदि किसी की कोई एक पंक्ति की कोई टिप्पणी है, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई बात अधूरी रह गई हो तो कह सकते हैं। वक्ताओं का एक पंक्ति से कुछ नहीं बनेगा। नहीं सर, वो ये अंतिम जो है ना होते हैं सर, धर्म बहुत व्यापक है। चर्चा होगी तो ये सनातन चर्चा भी चलती रहेगी, बहुत व्यापक है। मैडम राजेंद्रा, आपने कुछ कहना है? आपको मैं देख रहा था। एक मिनट सर, ये बहुत देशबंधु जी, एक कुछ ऐसे, मैं तो अच्छा वक्ता नहीं हूँ, नहीं कुछ कह सकती, पर ये मेरा देशबंधु जी से निवेदन है कि मैं भी इसके साथ जुड़ी हुई हूँ। और जी सुना देना सर। हाँ नहीं नहीं, मैं डॉक्टर साहब आपको भी जोड़ेंगे, ये सभी आपको अंबाला में रहते हुए हमसे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए आज के इस सभा को हम यहीं पूरा करते हैं और विसर्जित करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया, अपने विचार दिए, अपनी शक्ति दी है। और निश्चित रूप से ये ओपन एंडेड हमारी सारी ये डिस्कशन रही है और अगली जो इस पे चर्चा रहेगी उसमें डॉक्टर देशबंधु जी की अनुमति से मैं चाहूंगा कि सनातन धर्म शिक्षा बोर्ड को भी साथ में जोड़ें और बाकी तो संस्थान जुड़ेंगे ही। और उसमें हम, मुझे लगता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और सनातन धर्म के संबंधों को जरूर विश्लेषित करने का कोशिश करें, क्योंकि वहां पर जो आपके ऊपर, हमारे ऊपर जो आक्षेप लगते हैं और जिस तरीके से बात कही जाती है उसके लिए हम लोग अभी तैयार नहीं है उन चुनौतियों के लिए। या तो हम समझ नहीं रहे उन चुनौतियों को, क्योंकि सेकुलरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह की चुनौतियां आ रही हैं और जो संविधान की आड़ लेकर के जिस तरह से हमारे ऊपर बात कही जाती है, तो वो निश्चित रूप से हम सभी को समझने की जरूरत है और उसके लिए अपने को तैयार करने की भी आवश्यकता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ देशबंधु जी, देशबंधु जी, मैं और आशुतोष जी हरिद्वार आ रहे हैं, आप सेमिनार प्लान कर लीजिए बस। बहुत कम सर, आप एक साथ ये एक महीना रहिए, जितने दिन का कार्यक्रम बना के आना। हम आपको एक दो टॉपिक जो है वो भेजेंगे, आपको जो टॉपिक बढ़िया लगे टिक कर दीजिएगा, बस आ रहे हैं हम। डन डन सर, डन। मैडम आरती, ये जो हरिद्वार वाला सम्मेलन है इसी के बारे में पूछना चाह रही थी, क्योंकि चाहे शिक्षाविद हो या शिष्य हो, सबके लिए एक सबसे बड़ा, यदि हम अपने जीवन में कहें तो तीर्थ यही होता है। तो इस तीर्थ में हम भी आ सकें और शुरुआत हो सके हम जैसे लोगों के लिए भी, एक जो अभी नए ही हैं इस दिशा में। तो अगर इसकी कोई तिथि है या कोई निर्धारित समय है तो वो हमें जरूर भेजिएगा। मैडम जनरल जो आयोजित कर रहे हैं उन्हीं आयोजकों से मेरा निवेदन है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जनरल शौरी साहब और डॉक्टर आशुतोष जब भी कोई एक प्रारूप बना के भेजेंगे तो हम आप सभी लोगों को डॉक्टर आशुतोष जी के माध्यम से जो है वो सूचना अवश्य देंगे और हमारे लिए हर्ष का विषय होगा जितने अधिक से अधिक का लोग इसमें हमारे साथ जुड़ पाएंगे। आपको सूचना जरूर। देशबंधु जी आप मुझे भी अवसर दीजिएगा अपने सानिध्य का। सभी को देंगे, मुझे आपसे आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा है और मैं आगे भी इसमें पार्टिसिपेट करते रहना चाहूंगा। जी जरूर सर, सनातन धर्म सभा है ही इसी के लिए। मैं सभी के विचार सुनकर बहुत अभिभूत हूँ और सभी आयोजकों को हृदय से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ।
धन्यवाद तो धन्यवाद आप सभी का। और अब हम सभा समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं यहीं पे। आप लोगों ने फॉर्म मुझे उम्मीद है भर ही दिया होगा, लिंक मैंने शेयर कर दिया था आप सभी। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो सर। ये चैट बॉक्स में है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, लिंक शेयर किया हुआ है, उसको आप भर दीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। अच्छा, मैं उसके बाद व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा। वैसे इसमें एक सेकंड चैट बॉक्स में देखिए आप। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जी, चैट बॉक्स में देखिए आप जी। सर मिल गया, मैं थोड़ा ये